मित्रों बजट के अंदर मनी बिल फाइनेंस बिल का फर्क समझ लिया। नाउ दिस बजट उसका रेवेन्यू पार्ट, उसके अंदर रिसीव, रिसीव के अंदर टैक्स। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स, उसकी थियरी एंड द लेटेस्ट प्रोविजन इन बजट 2017 वो पढ़ेंगे। आदर्श टैक्स सिस्टम कैसी होनी चाहिए, उसके कुछ सिद्धांत, कैनन्स। इकोनॉमिक्स के पितामह एडम स्मिथ ने चार कैनन्स दिए, चार सिद्धांत। पहला कैनन ऑफ इक्वालिटी, मतलब आदमी की जो आमदनी है उसके प्रपोर्शन में होना चाहिए, कि गरीब आदमी पे कम टैक्स हो, अमीर आदमी पे ज़्यादा हो। दूसरा कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कि कौन सी तारीख को कितना टैक्स भरना है वो पहले से तय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अचानक राजा को मस्ती चढ़ गई और फिर उसके सिपाही आपका दरवाज़ा खटखट लाओ, पैसा इतना लगान देना है। नो, सर्टेनिटी शुड बी देयर। थर्ड कैनन ऑफ कन्वीनियंस, आपको 1000 रुपये टैक्स में भरने के लिए अगर 10 डॉक्यूमेंट्स पे सारी डिटेल्स देनी पड़े, 10 घंटे आपने लाइन में खड़ा रहना पड़े, देन कैनन ऑफ कन्वीनियंस नहीं है। तो भले अमीर आदमी वो टैक्स दे भी सकता है, स्टिल ही विल ट्राई टू इवेड इट। एंड लास्टली कैनन ऑफ इकोनॉमी, अर्थात टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो आपने स्टाफ रखा है, डेटाबेस मैनेजमेंट वगैरह, उसका खर्चा एकदम कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई टैक्स में 1000 रुपये आ रहे हैं और स्टाफ को 15,000 पगार में देने हैं। जो भी टैक्स ये चार कैनन या उसमें से एक आध कैनन का पालन नहीं करता, तो या तो फिर जनता उसको इवेड करेगी या फिर कि सरकार खुद ही समझ के भविष्य में उसको बंद कर देगी। अब केंद्र सरकार के डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? कुछ ऐसे टैक्स जो सीधे आपकी आमदनी पे लिए जाते हैं, उसमें सबसे पहला है इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स, कंपनी के लिए कॉरपोरेशन टैक्स, और ऐसी कंपनियाँ जो अपना मुनाफा जीरो है ऐसा दिखा देती है तो उनके लिए मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। आपने कंपनी के अंदर शेयर खरीदे हैं उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड आपको मिले उससे पहले कंपनी वाले उसके ऊपर थोड़ा पैसा काट के सरकार में जमा कराएंगे, दैट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एट द कंपनी एट द सोर्स। फिर मैं अपनी जमीन जायदाद, कोई शेयर बॉन्ड आपको बेचूं, कैपिटल एसेट आपको बेचूं, और उसमें मुझे जो मुनाफा हुआ, तो मुनाफा क्या है, मेरी इनकम है, उस पर लगने वाला टैक्स दैट इज कैपिटल गेन्स टैक्स। पर वो मुझे खुद नहीं भरना, यू हैव टू कट फ्रॉम द अमाउंट दैट यू आर गिविंग टू मी, और वो आप ऊपर जमा कराएंगे। सो दैट इज कैपिटल गेंस टैक्स एट द बायर एट द डेस्टिनेशन, वो भी आ गया। एंड लास्टली बैंक वाले जो लोन में पैसा घुमाते हैं, राइट, तो वो उसके ऊपर उनका प्रॉफिट मार्जिन रहता है, तो वो वहाँ पर टैक्स लगता था, इंटरेस्ट टैक्स, लेकिन बाद में चल के उसको ख़त्म कर दिया गया, येलो मतलब ख़त्म। बट ऐसा नहीं कि बैंक के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, उनको जो भी मुनाफा होता है उसके ऊपर कॉरपोरेशन टैक्स तो लगता है, बिकॉज बैक एंड में जो भी बैंक है वो एज अ कंपनी एक्ट के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, ये हुए। इसके अलावा आप पैसा खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर, उसके ऊपर भी डायरेक्ट टैक्स लग सकते हैं, जैसे कि एक होटल रिसीट टैक्स था, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स था, गिफ्ट टैक्स था, ये सारे टैक्स येलो मतलब ख़त्म करा दिए गए। क्यों ख़त्म हुए होटल रिसीट टैक्स से मैं आपको अभी समझाऊंगा। थर्ड इज आपकी एसेट्स, प्रॉपर्टी, कैपिटल ट्रांजेक्शन के ऊपर भी केंद्र सरकार डायरेक्ट टैक्स मांग सकती है, जैसे कि ये खरीद बिक्री जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वेल्थ टैक्स आपकी मिल्कत के ऊपर, लेकिन जेटली ने उसको 2015 में बंद करा दिया, क्योंकि ये वेल्थ टैक्स में हार्डली 100 करोड़ की आमदनी होती थी और उसके सामने जितना स्टाफ और डेटाबेस मैनेजमेंट, सो कैनन ऑफ इकोनॉमी का पालन नहीं हो रहा था, तो जेटली ने ख़त्म करा दिया। फिर चिदंबरम लेके आए थे बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, अर्थात आप अपने ही बैंक अकाउंट से 10,000 या उससे ज़्यादा की रकम निकालोगे तो उसके ऊपर एक थोड़ा सा टैक्स लगेगा। वो पैसा कमाने के लिए टैक्स मांग रहे थे ऐसा नहीं, पर उस हिसाब से वो देखना चाहते थे कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है। सो दैट वॉज बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स, और आगे साल 2009 में वो खत्म करा दिया। वाई? बिकॉज दैट वॉज हार्डली 0.1% ऑफ द ट्रांजेक्शन वगैरह, तो कैनन ऑफ इकोनॉमी वहाँ पर भी नहीं थे, इट वॉज मेनली फॉर सर्वेलेंस पर्पज। एंड लास्टली एस्टेट ड्यूटी, अर्थात कोई प्लांटेशन ओनर, कोई बड़े बागान का मालिक, वो मर जाएगा और नीचे उसके वारिसों को वो जब एस्टेट इनहेरिटेंस में मिलेगा तो वो चीज के ऊपर टैक्स भरना पड़ता था, दैट वाज एस्टेट ड्यूटी। लेकिन वहाँ कैनन ऑफ सर्टेनिटी नहीं थी, मतलब बाकी ये डायरेक्ट टैक्स तो ओके हमको पता है भाई 31 मार्च तक भरने पड़ते हैं, बट यहाँ किसकी विकेट गिरेगी और एस्टेट ड्यूटी मिलेगी ये सरकार को भी नहीं पता, सामने टैक्स पेयर को भी नहीं पता। सो इट वॉज गॉन बाय वीपी सिंह, उसने ख़त्म कराया। पुराने ज़माने में जब सलमान खान मैकडोनल्ड में खाना खाने जाते तो वो बिल का पैसा देते और वो होटल रिसिप्ट घर पे लेके आते और फिर उसके ऊपर वो सरकार में टैक्स का पैसा खुद जमा करते, दैट वाज होटल रिसिप्ट टैक्स। और जो आदमी खर्च कर रहा है वो खुद ही पैसा टैक्स में दे रहा है, सो देयरफॉर होटल रिसिप्ट टैक्स वॉज वन टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स।
परंतु यहां आप समझ सकते हैं कि एडम स्मिथ की कैनन फॉर कन्वीनियंस नहीं है। खाना भी हम ही खाएं, रसीद भी हम ही संभाल के रखें और हम ही जाके टैक्स भरने जाएं। सो देर इज मोर इंसेंटिव टू इवेट दैट थिंग, कौन ये मगजमारी करे। अब तो होटल इसी टैक्स खत्म करा दिया गया, उसके बदले क्या है? आप होटल में खाना खाते हैं तो होटल वाला आपसे बिल का पैसा लेता है, उसके ऊपर सर्विस टैक्स का भी पैसा लेता है और वो सर्विस टैक्स वो खुद जमा कराता है। मतलब पैसा सलमान की जेब से जा रहा है बट वो खुद पैसा सरकार को नहीं दे रहे हैं, एक इंटरमीडियरी सेलर है मैकडोनल्ड वो जाके दे रहा है। देयरफॉर सर्विस टैक्स इज इनडायरेक्ट टैक्स। उसी प्रकार एक जमाने में सलमान अपने बॉडीगार्ड शेरा को पगार देते थे, प्लस उसको जिमखाने में एनरोल करने के लिए वो मेंबरशिप फी का पैसा भी वही दे देते थे। तो आप समझिए दैट इज फ्रिंज बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी। अब वो फ्रिंज बेनिफिट दिया तो जिमखाने के अंदर सदस्यता और उसकी फी की रसीद वो लेके सलमान खान खुद फ्रिंज बेनिफिट टैक्स सरकार में जमा कराएंगे। देयरफॉर इट वॉज डायरेक्ट टैक्स, जिसने खर्च किया वो जाके टैक्स भर रहा है। अब तो वो भी बंद करवा दिया, उसके सामने सिस्टम क्या है, पगार उसको दे देंगे, देन छेरा जो भी मेंबरशिप फी वो भरेगा प्लस उसके ऊपर सर्विस टैक्स। तो जो मान लीजिए मैकडॉनल्ड ही जिमखाना चला रहा है, ही विल डिपॉजिट, सो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि एक्सपेंडिचर के ऊपर भी डायरेक्ट टैक्स लगा सकते हैं, इन थियोरी दैट इज पॉसिबल एंड दैट हैड बीन डन, बट वहां पर कैनन ऑफ कन्वीनियंस नहीं होती, इसलिए अब से ज्यादातर हम लोग एक्सपेंडिचर पर इनडायरेक्ट टैक्स लगाने का रवैया रखते हैं। हम वापस आते हैं, केंद्र सरकार के डायरेक्ट टैक्स देख लिए, राज्य सरकारों के डायरेक्ट टैक्स हैं क्या? हाँ, इनकम पे लगा सकते हैं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, बट ज्यादातर सरकार ये लगाती नहीं आउट ऑफ द वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो फिर ये अपने सीईए अरविंद सुब्रमण्यम और नीति आयोग के मेंबर इकोनॉमिस्ट विवेक देबरॉय वो बोल रहे हैं कि नहीं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी होना चाहिए। खैर, दूसरा है प्रोफेशनल टैक्स, जो नॉन एग्रीकल्चर टाइप के व्यक्ति हैं उन्होंने व्यवसाय वेरो व्यवसाय के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन आर्टिकल 276 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर बोल दिया है कि सालाना ये 2,500 रुपये से ज्यादा टैक्स नहीं ले सकते। 14th फाइनेंस कमीशन वाई वी रेड्डी ने बोला कि 2,500 में क्या आएगा, बेटर 12,000 तक की स्लैब होना चाहिए, ताकि मुकेश अंबानी वो भी व्यवसाय कर रहे हैं और उसके ऊपर ज्यादा कुछ रकम होनी चाहिए, राइट, ताकि राज्य सरकार की खुद की आमदनी बढ़े और मजबूती से काम हो सके। एक बात, क्या राज्य सरकार आपकी प्रॉपर्टी पे कोई डायरेक्ट टैक्स ले सकती है? हाँ, लैंड रेवेन्यू लगान, फिर ये प्रॉपर्टी के स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन ड्यूटी एंड अर्बन एरिया के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स, कुछ केस में ये प्रोफेशनल टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स वो नीचे अर्बन लोकल बॉडी को ही हाथ में दे देते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलग अलग डायरेक्ट टैक्स समझ लिए। अब बजट 2017 में केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा कौन से डायरेक्ट टैक्स से इनकम होने वाली है? तो कॉरपोरेशन टैक्स, दूसरे नंबर पर इनकम टैक्स, थर्ड सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इसके अलावा ऐसे सभी केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा नहीं है, मतलब दिल्ली पुडुचेरी को छोड़ के बाकी सब, तो वहां से डायरेक्ट टैक्स में आने वाली सारी रकम वो भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई जाएगी। प्रश्न होगा ये कैपिटल गेन्स टैक्स वो कहाँ गया? तो वो तो डिपेंड करता है, कंपनी के मुनाफे पे हुआ तो कॉरपोरेशन टैक्स में प्लस करके जोड़ देंगे, इंडिविजुअल पर्सन कैपिटल गेन्स टैक्स भर रहा है तो प्लस करके इनकम टैक्स में जोड़ देंगे एंड सो फॉर्थ। तो आप अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाले तो वहां पर तो आपको केवल तीन ही आंकड़े मिलेंगे, कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स एंड सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एज डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अब ये सारे पैसे क्या मोदी सरकार खुद अपने लिए खर्च कर पाएगी? जवाब है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक फाइनेंस कमीशन बनेगा और वो बोलेगा उतना टैक्स का पैसा नीचे राज्य सरकारों को हिस्से के स्वरूप में देना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली 14th फाइनेंस कमीशन एंड वाई वी रेड्डी ही सेड कि जितनी भी टैक्स में आपको आमदनी हुई उसका 42% यू हैव टू गिव टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, अर्थात वर्टिकल डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस कितना 42%, बट केवल टैक्स का ही सेस सरचार्ज की रकम नीचे शेयर नहीं करनी है। अब ये तो ऊपर से नीचे आया प्रश्न कि प्रत्येक राज्य को कितना पैसा हॉरिजॉन्टली मिलेगा, राइट, दैट विल ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय द फाइनेंस कमीशन। उन्होंने पैरामीटर बनाया कि आपके राज्य का क्षेत्रफल कितना है, एरिया फॉरेस्ट कवर कितना है, पहले पॉपुलेशन कितनी थी, लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से कितना बढ़ोतरी हुई, या फिर कि एकदम बेस्ट वाला राज्य जिसका जीएसडीपी कितना है, सामने आपकी कितनी बैकवर्डनेस है एंड लाइक दैट, ऑल दिस पैरामीटर्स दे विल काउंट एंड अकॉर्डिंगली दे विल असाइन द वेट, उस हिसाब से पैसा मिलेगा। तो ऊपर से जो पैसों की धारा नीचे बह के आएगी उसका सबसे ज्यादा हिस्सा 18% जाएगा उत्तर प्रदेश को
गुजरात को कितना जाएगा 3%, इसके अलावा बाकी के राज्यों को कितना, आगे इनडायरेक्ट टैक्सेस के बाद एक स्लाइड में मैंने रख दिया है, तो आप अपने राज्य का देख लेना फॉर द इंटरव्यूज। केंद्र सरकार का बजट, वहां पर डायरेक्ट टैक्स की कितनी आमदनी, सामने राज्य सरकार भी अपने बजट रखेंगे राइट, तो गुजरात राज्य सरकार का बजट 2016, वहां उनको सबसे ज्यादा कौन से डायरेक्ट टैक्स में आमदनी होने वाली है, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन फी दूसरे नंबर पर, लैंड रेवेन्यू और तीसरा है प्रोफेशनल टैक्स व्यवसाय वेरो। प्रश्न, ये सारे आंकड़े क्या यूपीएससी के लिए काम के है, यूपीएससी में एब्सोल्यूट फिगर दे विल नॉट आस्क कि भाई सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स में कितने मिलेंगे, 7768 मिलेंगे कि 6865 मिलेंगे। हावेवर इन द लोअर एग्जाम लाइक स्टाफ सिलेक्शन है, IBPS वहां पर भी क्लर्क की एग्जाम और राज्यों की खुद की PCS एग्जाम एंड लोअर पंचायती बोर्ड एग्जाम वगैरह, वहां पर कई बार एब्सोल्यूट फिगर थोड़े पूछते हैं, तो एक अंदाजा होना चाहिए। इसके अलावा मित्रों, इवन यूपीएससी इंटरव्यू में भी पता होना चाहिए कि आपके राज्य में सबसे ज्यादा कौन से डायरेक्ट टैक्स से क्या आमदनी हो रही वगैरह। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने राज्य सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पर जाएं और वहां से लेटेस्ट बजट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाले और फिर ये स्लाइड के नीचे इंसर्ट न्यू स्लाइड करके वो आंकड़े लिख देना। ये एक काम हो गया। अब डायरेक्ट टैक्स के फायदे नुकसान क्या है। सबसे पहले फायदे, दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, अर्थात गरीब आदमी पे 0%, मध्यम वर्ग पे 5% एंड रिच पर्सन की इनकम के ऊपर आप 10%, 20%, 30% ऐसा लगाओ, अर्थात जो ज्यादा कमा रहा है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स का बोझ आएगा राइट। सो लाइक दैट दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, और इस प्रकार से जो भी पैसा आया वो सारा गरीब कल्याण योजनाओं में लगाइए। सो यू कैन रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, आय में असमानता को आप कम कर सकते हो। देन NPS, PPF, EPF ये सारी योजनाओं में मध्यम वर्ग निवेश करे, उसके लिए आप बोल सकते हो भाई तुमको इनकम टैक्स तो 5%, परंतु आप 1.5 लाख तक की रकम यहाँ पर डालोगे ये LIC वगैरह में, तो वो उतना आपके टैक्सेबल इनकम में हम नहीं गिनेंगे। ऐसे सब डिडक्शन एग्जेम्पशन देकर यू कैन इनकरेज द मिडिल क्लास टू मोबिलाइज देयर सेविंग्स इनटू सच इन्वेस्टमेंट स्कीम्स लाइक NPS, PPF वगैरह, और वो बैकेंड में सारा पैसा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर या कॉरपोरेट फाइनेंस में इस्तेमाल करे, एंड लाइक दैट एंटायर इकोनॉमी कैन ग्रो। ये भी लाभ है। फिर सर्टेनिटी लेस तीसरी वगैरह बोल बच्चन। डीमेरिट्स क्या है, 2.5 लाख से ऊपर की टैक्सेबल इनकम वालों के ऊपर तो आप टैक्स मांगते हैं इनकम टैक्स, तो फिर ऐसा करना चाहिए कि भाई 10,000 भी जो पूरे साल में कमा रहा है तो कम से कम 1 रुपया उससे भी हम इनकम टैक्स में लें राइट, राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ काम में आए। अगर ऐसा करने गए तो एडम स्मिथ की कैनन ऑफ इकोनॉमी उसका पालन नहीं होगा। हर एक ऐसे छोटे छोटे आदमी से भी टैक्स वसूलना है तो इमेजिन कि कितना सारा स्टाफ रखना पड़ेगा, डेटाबेस, सर्वेलेंस, तो वो खर्चा बढ़ जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमेशा यूनिवर्सल नहीं होता इनकम टैक्स, वो एक सीमा बना के उसके ऊपर वालों से लेते हैं। सो ऑलवेज डायरेक्ट टैक्स का बेस नैरो रहता है। इनडायरेक्ट टैक्स में तो ये समस्या नहीं है, दे आर ऑलमोस्ट यूनिवर्सल इन नेचर, कि कोई टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू है तो गरीब आदमी खरीदे तो उसके ऊपर भी वैट लगेगा, अमीर खरीदे तो भी लगेगा राइट। सो लाइक दैट दे हैव अ वाइडर बेस। सेकंड प्रॉब्लम विद डायरेक्ट टैक्सेस इज एक्सटर्नालिटी गिनते नहीं है। एक्सटर्नालिटी मतलब दो पार्टियों के बीच कोई डील हो जाए और उसके चलते अगर कोई तीसरी पार्टी को अच्छा बुरा हो, दैट इज एक्सटर्नालिटी। रतन टाटा कोई कार फैक्ट्री लगाते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, तो जो मजदूर है वो तो मजे में आ गया कि पगार मिलता है, रतन टाटा भी मजे में कि गाड़ी बन जाती है। सो दीज टू आर बेनिफिटिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो जो फैक्ट्री बनी उसके आजू बाजू के इलाकों में लोगों को ये चाय की रेस्टोरेंट की दुकान, कोई टैक्सी रिक्शा चलाने वालों को काम मिल जाएगा राइट। सो दैट इज पॉजिटिव एक्सटर्नालिटी ऑन द एंटायर एरिया। अब इस केस में भी रतन टाटा गाड़ी बनाते हैं, मुनाफा कमाते हैं, तो कंपनी के ऊपर कॉरपोरेशन टैक्स कितना लगेगा, से 30%। और उसके विपरीत अगर कोई फिल्म स्टार सिगरेट स्मोकिंग को प्रमोट कर रहा है एडवर्टाइजमेंट की, मान लो उसको करोड़ों रुपए मिल गए, तो टैक्स कितना लगेगा, हाईएस्ट लेब इज 30% राइट। अब वहां पर ऐसा नहीं है कि भाई तुमने सिगरेट प्रमोट किया तो कोई आदमी सिगरेट पी रहा है, उसके चलते सेकेंडरी स्मोक के चलते जो नहीं पी रहा वो भी बीमार पड़ रहा है, ऐसा सब गिन के ये फिल्म स्टार के ऊपर आप क्या 30% से बढ़ा के 45% डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स मांग सकते हो, नॉट पॉसिबल। सो एक्सटर्नालिटी इज नॉट काउंटेड। इनडायरेक्ट टैक्स में तो वो कर सकते हैं कि दूध के ऊपर आप कम वैट रखे और टोबैको प्रोडक्ट पे ज्यादा एक्साइज वैट रखे राइट, वहां पर ये संभव है, यहां संभव नहीं है। देन डायरेक्ट टैक्सेस डू नॉट काउंट हार्डशिप। कोई कारपेंटर पूरा दिन रंधा घिस के करवत मार के हजारों कैलोरी बर्बाद करके मान लीजिए वो 5 लाख रुपए कमाता है, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स कितना लगेगा, 5%।
और सामने कोई लैंडलॉर्ड जिसने अपना मकान केवल भाड़े पे दिया है और वो भी भाड़े में 5 लाख कमा रहा है, तो उसके ऊपर कितना लगेगा? 5% इनकम टैक्स। सो हार्डशिप, कितनी कैलोरी बर्न करके आप पैसा कमा के लाए, उसका यहाँ पर कोई वेट असाइन नहीं होता। अगर आप जन कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं करनी है बोल के टैक्स के दर एकदम बढ़ा दे कि ये कंपनियों के मुनाफे के ऊपर 30% नहीं 60% टैक्स डाल दे, अगर ऐसा कुछ किया गया देन हाई लेवल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस दे विल प्रमोट लेजीनेस। कंपनी का व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा भी दिखा दूँ तो क्या है, जितना मैं कमाऊंगा उसका 60% तो टैक्स में जाना है, राइट? सो हाई लेवल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस दे कैन हर्ट द इकोनॉमी लाइक दिस, दे कैन डिस्करेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड सो फॉर। और ये कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह के अंदर कानून में इतने लीगल लूपहोल हैं कि बहुत सारे लोग पे ही नहीं करते, वो सारी समस्या क्या है वो तो ब्लैक मनी में हम देखेंगे। डायरेक्ट टैक्स के प्रकार, फायदे, नुकसान, केंद्र सरकार राज्य सरकार के अंदर कितनी रकम वो समझ लिया। नाउ व्हाट आर द एग्जैक्ट प्रोविजंस इन द बजट 2017 फॉर द डायरेक्ट टैक्सेस। मैं ये शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, ये सीए की एग्जाम, चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्जाम के लिए हम लोग नहीं पढ़ रहे, दिस इज फॉर सिविल सर्विस एग्जाम, तो वी विल ओनली टेक एन ओवर यू, फर्स्ट थिंग। सेकंड, ब्लैक मनी के रिलेटेड जो प्रावधान है वो अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे। मान लीजिए सरकार बजट में इनकम टैक्स स्लैब घोषित करे कि 0% इनकम टैक्स लगेगा, तो फिर सरकारी तिजोरी में टैक्स में कितनी आमदनी होगी? $0 बिलियन। उसके विपरीत सरकार ऐसा बोले कि हर एक व्यक्ति पे 100% इनकम टैक्स लगेगा, मतलब आप जितना कमा रहे सारा सरकारी तिजोरी में जाएगा, तब सरकारी तिजोरी में कितनी रकम आएगी? अगेन 0। वाई? कोई बेवकूफ ही आदमी होगा जो कोई नौकरी करने जाए, सारा कमाई तो सरकार लेने, राइट? सो इन बोथ सच केसेस एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट टच कर लेगा। अब इसके बीच वाले एंगल क्या बनते हैं? मान लीजिए सरकार 60% इनकम टैक्स रखे तो सामने तिजोरी में कितना पैसा आएगा? लेट अस से $1 बिलियन आ रहा है। और अगर 15% रखे तो कितना पैसा आएगा? हो सकता है $10 बिलियन आ जाए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब 60% इनकम टैक्स होगा तो द मोटिवेशन टू वर्क विल स्टार्ट टू गेट लो, बहुत सारे लोग टैक्स इवेजन अवॉइडेंस का प्रयत्न करेंगे, इसलिए आमदनी कम हो जाएगी। अर्थात ये पूरा टैक्स रेवेन्यू वर्सेज दिस टैक्स रेट, आप अगर ग्राफ में प्लॉट करें इट विल बी लाइक दिस बो, द शेप ऑफ दिस कर्व इट इज नोन एज लाफेर कर्व, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमिस्ट आर्थर लाफेर ने ये पूरी व्याख्या की थी। ज़्यादा यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की PhD करने का मतलब नहीं, आपने याद क्या रखना है भाई, जितना अगर आप टैक्स के परसेंटेज वाइज रेट कम रखेंगे तो फिर तिजोरी में जो रेवेन्यू के स्वरूप में पैसा आएगा वो एब्सोल्यूट फिगर में बड़ा 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 आएगा। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को मानते हैं, इसलिए उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका के अंदर टॉप इनकम टैक्स स्लैब क्या, ऑलमोस्ट 40%, उसको कम करके 35% करेंगे। उसी प्रकार कंपनियों के मुनाफे पे लगने वाला कॉरपोरेशन टैक्स, उसके अंदर भी कटौती करेंगे, बहुत सारे उनको एग्जेम्पशन डिडक्शन देने की भी बात करी। ट्रंप के विरोधी बोलते हैं कि ऐसा तो उद्योगपतियों को लाभ दिलाने के लिए आप कर रहे हो, फिजल डेफिसिट बढ़ेगी, सरकार कैसे चलेगी एंड सो फॉर। ट्रंप का जस्टिफिकेशन ये है कि अगर मैं इनकम टैक्स स्लैब कम कर दूं तो सामने जनता के पास कुछ भी खरीदारी करने के लिए स्पेयर मनी ज़्यादा रहेगा, तो उस हिसाब से हमको सेल टैक्स में तो फिर रकम होने वाली है। और ये नाइक, प्यूमा, एडिडास, क्योंकि अमेरिका के अंदर उनके उत्पादनों पर ज़्यादा टैक्स लगता है, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनियों की स्थापना कर दी है थाईलैंड, वियतनाम वगैरह में। सो इफ आई रिड्यूस देयर कॉरपोरेशन टैक्स तो वो वापस आ जाएंगे, यहाँ उद्योग लगाएंगे, रोजगार मिलेगा एंड सो फॉर, ऑफशोरिंग एंड आउटसोर्सिंग के सामने लड़ने में मदद मिलेगी। ये सब कारणों के चलते लाफेर कर्व को मानते हुए उन्होंने ऐसा काम किया। क्या 2017 के भारत के बजट में ऐसा कुछ किया गया? हाँ, इंडिविजुअल इनकम टैक्स और छोटे उद्योगों के ऊपर लगने वाले डायरेक्ट टैक्स, उसमें कटौती की गई, और बड़ी कंपनियों पे जो 30% कॉरपोरेशन टैक्स लगता था उनको भी बोला गया कि भविष्य में धीरे धीरे काटते काटते 25% पे लेके आएंगे। तो एक एक करके ये सारे मुद्दे आराम से देखते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल इनकम टैक्स, उसमें क्या सुधार हुआ वो समझने के लिए कि पिछले बजट में क्या था। 60 साल से कम उम्र के इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर कितना इनकम टैक्स लगता है? अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख तक की है तो कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से ज़्यादा अप टू 5 लाख तक की है तो 10% टैक्स ऑन दैट इनकम, 5 से 10 उस पर 20%, 10 से ऊपर 30%, और अगर 1 करोड़ से ऊपर तो 30% टैक्स तो लगेगा, प्लस एडिशनल 15% सरचार्ज ऑन दैट टैक्स। और ये सभी लोगों के ऊपर जो भी टैक्स लगा प्लस सरचार्ज लगा वो रकम, और उसका 3% निकालो, उतना एडिशनल एजुकेशनल सेस भी लगेगा। एक बात हुई, 2017 के बजट में क्या हुआ, ये जो सबसे पहला स्लैब था 10% उसको आधा कर दिया 5%,
बाकी के स्लैब 20-30 वो तो एक समान। अब आप समझिए मित्रों, अगर 10% वाले इनकम टैक्स को घटा के आधा कर दिया 5%, अर्थात पहले जो 2016 में रकम आती थी उससे थोड़ी कम आएगी, तो जेटली ने बोला कि 15,500 करोड़ उतना टैक्स फॉरगॉन हो गया, उतना चला गया बिकॉज ऑफ दिस स्लैब जो काट दिया। उसकी भरपाई के लिए क्या सामने उन्होंने एक नया स्लैब बना दिया कि 50 लाख से 1 करोड़ की जिनकी टैक्सेबल इनकम है उनके ऊपर भी 30% टैक्स तो लगेगा, प्लस वो टैक्स की रकम के ऊपर 10% सरचार्ज लगेगा। तो इस प्रकार का ये जो नया सरचार्ज एक खास स्लैब के लिए बना दिया गया, उसकी मदद से करीब 2,700 करोड़ रुपये एडिशनल आएंगे। अब प्रश्न, 15,500 करोड़ तो कम आएंगे बिकॉज आपने पहला स्लैब आधा कर दिया, तो फिर यहाँ तो रकम सेट नहीं हो रही। पर आप समझिए कि मिडिल क्लास के पास अब खरीदारी करने के लिए थोड़ा पैसा स्पेयर में और रहेगा, तो वो जो जमकर खरीदारी करेंगे तो बैकएंड में एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स के नाम पे सरकार को कमाई तो होने वाली है, तो भले सीधे ऐसे नहीं खाएंगे बट इनडायरेक्टली तो हाथ में आने ही वाला है। एक बात हुई फॉर द टैक्स पेयर्स बिलो द एज ऑफ 60। अब सीनियर सिटीजन के लिए क्या, उनके स्लैब इस तरह से रहते थे, उसमें कोई फर्क नहीं, वो तो कि भाई 60 से 80 वाला है 3 लाख तक की रकम में कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता था, 3 से 5 में, तो पहले वो 10 लाख 10% के स्लैब में आता था, 5% में आ गया, राइट। सिमिलरली 80 से ऊपर वाले बुजुर्ग हैं तो 5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम पे कुछ नहीं, और बाकी चीजें तो जो थी वैसी, तो 20-30 हो गया। अब असल में इनकम टैक्स सेस सरचार्ज की गिनती कैसे होती है जरा समझ लें। 2016 के अंदर मान लीजिए आपकी ग्रॉस इनकम अलग अलग स्रोत से आने वाली कुल कमाई 5 लाख रुपए थी, तो क्या 5 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा? नहीं, उसमें से आपने सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम माइनस कर देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके ऊपर केवल राज्य सरकार इनकम टैक्स मांग सकती, केंद्र नहीं। सिमिलरली ये LIC PPF वगैरह में आप जो निवेश करते हैं अप टू 1.5 लाख रुपीज, आपने कोई एजुकेशन या होम लोन लिया उसका जो ब्याज देना है, मकान का भाड़ा, किसी आर्मी वेलफेयर फंड वगैरह में जो पैसा डाला है, राइट, वो सारी चीज़ें आप डिडक्शन डेप्रिसिएशन एग्जेम्पशन के नाम पे माइनस करेंगे, तो फिर ग्रॉस इनकम 5 लाख में से जो रकम बची वो आपकी होगी टैक्सेबल इनकम, मान लीजिए 3.5 लाख रुपए बचे। अब ये है टैक्सेबल इनकम, इसके ऊपर टैक्स लगेगा कितना? पहली 2.5 लाख रुपए की रकम पे तो कोई टैक्स नहीं, तो 3.5 लाख में से 2.5 लाख तो माफ हो गए, तो बचा कितना? 1 लाख रुपए, उस पर कितना लगेगा? 10% पहला स्लैब में, बजट 2016 की बात कर रहा हूँ, तो मतलब उसके हिसाब से कितना? 10,000 रुपये इनकम टैक्स भरना पड़ता था। परंतु साथ ही साथ ये बोला गया था कि जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक की है उनको 5,000 का रिबेट मिलेगा, अर्थात 10,000 इनकम टैक्स में भरने तो हैं पर माइनस 5,000 रुपीज कर दो रिबेट के नाम पे, तो असल में भरना कितना इनकम टैक्स? 5,000 रुपए। उसके ऊपर सरचार्ज कितना? वो तो करोड़पतियों पे लगता है, तो कुछ नहीं। और ये टैक्स प्लस सरचार्ज की जो रकम है उसके ऊपर 2% प्राइमरी एजुकेशन सेस प्लस 1% सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, मतलब 3%, तो 5,000 प्लस 0 वो जो टैक्स प्लस सरचार्ज की रकम उसका 3% कितना? 150 रुपये। और फिर आप कुल करिए टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस 5,150 रुपये भरने हैं, दैट वुड बी द थिंग इन बजट 2016। अब 2017 में क्या किया? अगेन आप प्रिज्यूम करें कि भाई ग्रॉस इनकम 5 लाख थी और एनीवेज टैक्सेबल इनकम 3.5 लाख रुपए है आपकी, अब वहां से 2.5 लाख तक तो कोई नहीं, तो मतलब 0, 2.5 लाख से ऊपर की जो रकम है अप टू 5 लाख रुपीज उस पे लगेगा, तो उस हिसाब से बचा कितना? 1 लाख रुपए, उस पे कितना लगता था? पहले 10%, अब लगेगा 5%, अर्थात 5,000 रुपए इनकम टैक्स भरना है। परंतु साथ में ये अपडेट कर दिया कि जिनकी टैक्सेबल इनकम 3.5 लाख तक है उनको 2,500 रुपए ही रिबेट में मिलेंगे, मतलब 5,000 माइनस 2,500, अर्थात भरना कितना पड़ेगा इनकम टैक्स? 2,500, उसके ऊपर सरचार्ज क्या? वो तो करोड़पति के लिए, तो 0 प्लस 3% एजुकेशन सेस ऑन द टैक्स प्लस सरचार्ज, तो उस हिसाब से निकालो 75 रुपीज, और कुल रकम टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस तो 2,575, दैट इज द टैक्स यू हैव टू पे। ओके, मिडिल क्लास के ऊपर इनकम टैक्स की गिनती देख ली, व्हाट अबाउट द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, अमीर लोगों पर क्या? मान लीजिए ये भाई साहब की टैक्सेबल इनकम है 60 लाख रुपीज, अब वहां पर भी 2.5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम पे तो कोई टैक्स नहीं, तो 0, फिर 2.5 लाख से लेके 5 लाख मतलब पहला स्लैब, तो उसमें रकम कितनी वो बकेट में आप डाल सकते हो? 2.5 लाख रुपए, उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा? 5%, अर्थात 12,500 रुपए। पहले कितना लगता था? 10%, अर्थात 25,000,
तो मतलब कि पहले से कितना लाभ हुआ, 12,500 का लाभ हुआ सभी लोगों के लिए, जो कि इवन अपर मिडिल क्लास एंड रिच पीपल। आगे 5 लाख से ज्यादा 10 लाख तक की रकम, मतलब वो बकेट में कितना भर सकते हो आप, 5 लाख, और उसके ऊपर स्लैब क्या है, 20%, अर्थात 5 लाख रुपए के 20% कितने होंगे, 1/5, तो 1 लाख रुपये हो गया। बाकी रकम जो भी बची, मतलब 10 लाख से ऊपर की सारी रकम, उस पर कितना लगता है, 30% इनकम टैक्स। तो आप समझिए, ये व्यक्ति कुल मिला के उसके पास 60 लाख रुपए थे, जिसके अंदर वो ऊपर वाले सभी स्लैब में ढाई और ढाई, 5 और 5, 10 लाख का तो टैक्स पे कर चुका है। तो 60 में से अब रकम कितनी बची, -10 करो तो 50 लाख रकम बची, उसके ऊपर टैक्स कितना लगता है, 30%, तो 50 लाख का 30% कितना होगा, 15 लाख रुपए उसने भरने हैं। अब ये सारी चीजों का समेशन करो तो पता चलेगा कुल करीब 16 लाख रुपए उसने इनकम टैक्स में भरने हैं। टोटल इनकम टैक्स भरना है करीब 16 लाख रुपए, रिबेट कुछ भी नहीं, वो तो लोअर मिडिल क्लास के लिए थी, और ये रकम के ऊपर 10% सरचार्ज, आप याद करो वो नया जो 50 लाख से ऊपर वालों के ऊपर सरचार्ज फिट किया गया, तो 10% सरचार्ज ऑन दिस टैक्स वो कितना होगा, 16 लाख है तो 10% मतलब 1.6 लाख समथिंग। फिर ये टैक्स प्लस सरचार्ज की जो रकम है उसका 3% उतना एजुकेशन सेस लगेगा, तो वो रकम आप करीब 53,000 रुपीज़। बस अब ये फाइनल समेशन करो, टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस, तो कितना, करीब 18 लाख रुपए, दैट इज द टोटल इनकम टैक्स दिस पर्सन हैज टू पे। यहां पर भी दोस्तों ये टोटल जो टैक्स की रकम गई लगभग 16 लाख रुपए, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगी, और वहां से तो 42% केंद्र सरकार राज्यों के बीच शेयर करेगी, बिकॉज ऐसा फाइनेंस कमीशन ने बोला है। ये सरचार्ज की रकम 1.6 लाख रुपीज वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाएगी, परंतु वो फाइनेंस कमीशन राज्यों के साथ शेयर नहीं करेगा। ये एजुकेशन सेस की रकम वो प्रारंभिक शिक्षा कोष में जाएगी, जो एक प्रकार से पब्लिक अकाउंट है, और क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा कोष स्पेसिफिक पर्पज है, तो उस हिसाब से वो सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील वगैरह में जाएगा। फाइनेंस कमीशन वहां से पैसा नीचे 42% देना है ऐसा नहीं, परंतु जो योजना है उस हिसाब से केंद्र सरकार अपनी मर्जी के मुताबिक हर एक राज्य को देगी। सरचार्ज के क्या यूज करना है वो सरकार स्पेसिफिकली नहीं बोलती, सेस का क्या यूज करना है वो स्पेसिफिकली बोलती है। यहाँ जैसे कि यहाँ पर एजुकेशन सेस ऐसा स्पेसिफिक लिखा है, राइट, सरचार्ज में ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक स्वच्छ भारत सरचार्ज ऐसा यहाँ पर नहीं है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सरचार्ज एंड सेस। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या है? कोई भी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर एक एमडी सीईओ, वो काम करते हैं, जो मुनाफा कमाया फिर बोर्ड तय करेगा कि उसमें से कितना वापस धंधे में लगाना है और कितना डिविडेंड के स्वरूप में नीचे शेयर धारकों को देना है। अब ये जो नीचे डिविडेंड के स्वरूप में शेयर धारकों को पैसा दिया जाएगा, उससे पहले ये कंपनी ने वहां पर 15% एज अ टैक्स प्लस 12% सरचार्ज एंड एजुकेशन टैक्स, ये सब मिलाकर केंद्र सरकार में जमा करना पड़ेगा। अर्थात ये हो गया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एट द सोर्स, बट असल में तो वो शेयर धारक की जो आमदनी होने वाली थी उसके ऊपर ही लगा, राइट, सो देयरफॉर इट इज डायरेक्ट टैक्स। अब पाया गया कि बहुत बड़े उद्योगपति, उनकी तो अपनी बड़ी शेयर होल्डिंग होगी, तो लाखों करोड़ों रुपए उनको तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में मिलते होंगे। इसलिए 2016 के बजट में बोला था कि जिस भी व्यक्ति को 10 लाख से ज्यादा डिविडेंड में पैसा मिल रहा है, ऐसे शेयर धारक ने एडिशनली सोर्स पे 10% टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब ऊपर से कट के आया वो भी, प्लस आपने भी काट के देना पड़ेगा वो भी। और ये चीज लागू होती थी इंडिविजुअल पर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स, परंतु उस वक्त ट्रस्ट ऐसा नहीं लिखा था, तो कुछ उद्योगपति जिनके पास इंडिविजुअली सारे शेयर थे, उन्होंने ट्रस्ट बना दिए और वहां पर सारे शेयर ट्रांसफर कर दिए, ताकि जो ऊपर से पैसा नीचे आ रहा है उसमें वो एडिशनल 10% उनको टैक्स में ना भरना पड़े। इससे लड़ने के लिए 2017 बजट में बोल दिया प्लस ट्रस्ट ऑल्सो उनके ऊपर भी लगेगा, मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 15% प्लस ढेर सारा जो लाखों में आ रहा है, तो उसके ऊपर 10% सोर्स पे भी। हमने फाइनेंस सेक्टर के लेक्चर में पढ़ा था, कंपनी शुरू करनी है तो कैपिटल चाहिए, राइट, उसमें जो एक्विटी कैपिटल शेयर है उसके ऊपर डिविडेंड, तो डिविडेंड में क्या होता है मित्रों, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे कंपनी वाले पैसा काट के देंगे और बाकी की रकम जेठालाल को जाती थी उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि टैक्स पहले कट चुका है, परंतु बॉटम लाइन इज 10 लाख से ज्यादा होगा तो एडिशनल 10% टैक्स उसने भी पे करना पड़ता है, एक बात। और सामने जो भी डेट फाइनेंस होता है, जैसे बॉन्ड का इंटरेस्ट, तो उसके ऊपर टीडीएस काट के
रिलायंस कंपनी भारत सरकार में जमा कराएगी। तो मान लीजिए 8 रुपये अगर इंटरेस्ट है तो उसका 5% 40 पैसे जमा कराएगी और बाकी 7 रुपये और 60 पैसे वो जेठालाल को दिए जाएंगे एंड देट विल बी काउंटेड अंडर द टैक्सेबल इनकम ऑफ जेठालाल। फिर वो अपना रिटर्न फाइल करेंगे। अब मान लीजिए उनकी पूरी टैक्सेबल इनकम 2,50,000 से कम है तो TDS का पैसा उनको ब्याज के साथ मिल जाएगा। अगर ज़्यादा है तो पेटीएम डिजिटल वॉलेट जैसा आप विजुलाइज करो, अर्थात आप 50 रुपये की चीज़ खरीदना चाहते हो और वॉलेट के अंदर 10 रुपये हैं पेटीएम में, तो बाकी का 40 आप क्या करोगे, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से पे करो। लाइक दैट यू विल एडजस्ट द थिंग्स, दैट इज TDS। TDS इज नॉट अ टैक्स, TDS कोई टैक्स नहीं है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इसलिए होता है ताकि जो लोग इवेजन अवॉइडेंस करते थे वो पता चल जाए, उतना पैसा कटा है तो वापस लेने के लिए आपने रिटर्न वगैरह फाइल करना पड़ेगा, राइट। खैर ब्लैक मनी में आगे वो समझेंगे। इनकम टैक्स समझ लिया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स समझ लिया, कॉरपोरेशन टैक्स कंपनियों के मुनाफे पे लगने वाला डायरेक्ट टैक्स, तो कितना लगता है मुनाफे के ऊपर 30% टैक्स लगता है प्लस सेस सरचार्ज वगैरह तो है। जेटली ने पाया कि जिन कंपनियों का प्रॉफिट 1 करोड़ से कम है उनके प्रॉफिट से हमको कितना टैक्स में आ रहा है, अराउंड 30%, और जिन कंपनियों का प्रॉफिट 500 करोड़ से ज़्यादा है वहाँ से असल में रकम हमको टैक्स में कितनी आ रही है, अराउंड 25%। अब ये कैसे संभव है ऐसा जादू? कारण जो बड़ी कंपनियां हैं वो हमारा ये इन्वेस्टमेंट, ये रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उस हिसाब से उनको जो डिडक्शन डेप्रिसिएशन वगैरह के लाभ मिलते थे उसमें सारा बहुत सारा प्रॉफिट वैसे वैसे घुमा देते थे। इसलिए 1 अप्रैल 2017 से फेज वाइज ये सारे एग्जेम्पशन उन पे ख़त्म किए जाएंगे बाय 2020। पर साथ ही साथ उनको आश्वस्त किया गया कि आपके मुनाफे पे जो 30% कॉरपोरेशन टैक्स लगता था उसको भी कम करते करते हम 25% पे लेके आएंगे। ऐसा क्यों, आप सोचिए वो लाफेयर कर्व के हिसाब से। इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है कि ये 2020 तक आप करने वाले, जरा जल्दी जल्दी कर दो ताकि कंपनियों को और लाभ हो। कॉरपोरेशन टैक्स बजट 2016 के अंदर इंडियन कंपनी जो 1 अप्रैल 2016 के बाद अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगी उसके मुनाफे पे लगता है 25%, और अगर कोई कंपनी पहले से ही काम कर रही है तो अगर 5 करोड़ तक का टर्नओवर था तो उनके ऊपर मुनाफे पे लगता था 29%, और उससे बड़ी वाली कंपनियां उनके ऊपर मुनाफे पे 30%, और विदेशी कंपनियां तो उनके मुनाफे पे 40%। ये 2016 बजट के अंदर प्रावधान थे। 2017 में एकदम सिंप्लीफाई कर दिया, कोई भी कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ तक का है उसके मुनाफे पे कितना कॉरपोरेशन टैक्स लगेगा, 25%, और उसके ऊपर जो है उसके ऊपर 30%, और विदेशी कंपनी उस पर 40%। इसके अलावा एजुकेशनल सेस सरचार्ज वगैरह तो लंबा चौड़ा चलता है, जो CA की परीक्षा हमने नहीं देनी इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। इसके अलावा बैंकिंग, तो बैंक भी बैकएंड में तो कंपनी लिमिटेड है तो उनको NPA प्रोविजनिंग के लगते जो भी प्रावधान थे उसमें सुधार किए गए। स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए अलग अलग चीज़ें, अब इसके कोई खास बढ़िया MCQ बनते नहीं, ये PhD CA की परीक्षा हम नहीं दे रहे। कुछ कंपनियां ये डिडक्शन एग्जेम्पशन ये वो करके अपना कोई भी मुनाफा नहीं, जीरो प्रॉफिट कंपनी ऐसा दिखाती थी, मतलब उनको तो फिर कॉरपोरेशन टैक्स भरना ही नहीं पड़ता था। ऐसी कंपनियों से लड़ने के लिए पहले राजीव गांधी और बाद में चिदंबरम लेके आए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, अर्थात आपकी कंपनी का भले जीरो प्रॉफिट है बट बुक प्रॉफिट के ऊपर 18.5% मिनिमम अल्टरनेट टैक्स आपने भरना पड़ेगा। अब ये बुक प्रॉफिट कैसे गिनते, अगेन CA की परीक्षा नहीं है, छोड़ो। 2016 बजट में बोला गया था कि कोई विदेशी कंपनी या निवेशक जिसका भारत के अंदर खुद का बिजनेस नहीं चल रहा है ऑन दैट दिस MAT विल नॉट अप्लाई। 2017 बजट में ये बोला कि ये बात सही है कि हम कॉरपोरेशन टैक्स तो 30% थे कम करते करते 25% में लाएंगे, बट ऐसा मिनिमम अल्टरनेट टैक्स में कोई कमी करने वाले नहीं। वैसे भी पहले 18.5% और कितना मांगना है, छोड़ो। इनकम टैक्स समझ लिया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स समझ लिया, कॉरपोरेशन टैक्स समझ लिया। नाउ कैपिटल गेंस टैक्स, अर्थात मेरी कोई कैपिटल एसेट जैसे कि शेयर मैं जेठालाल को बेच दूँ तो सामने वो मुझे पैसा देंगे। अब मुझे इसमें जो मुनाफा हुआ, मतलब ये ओरिजिनली मैं शेयर कितने में खरीदे थे अब मैं बेच रहा हूँ तो मुझे कितना मुनाफा हो रहा है, राइट। दैट प्रॉफिट ऑन द कैपिटल एसेट इज कॉल्ड कैपिटल गेंस, और उसके ऊपर लगने वाला टैक्स दैट इज कैपिटल गेंस टैक्स। अब ये टैक्स का पैसा मुझे जाके नहीं भरना पड़ेगा बिकॉज जेठालाल मुझे पेमेंट करते वक्त ही वो पैसा काट के सरकार में जमा कर देंगे, बट बिकॉज इट इज एक्चुअली पुट ऑन मी ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज के लिए करके वो काट के देंगे, देयरफॉर इट इज डायरेक्ट टैक्स। नाउ ये कैपिटल गेंस टैक्स लगता कितना है वो डिपेंड करता है कि भाई आपकी कैपिटल एसेट का प्रकार क्या है और आपने बेचने से पहले उसको कितने समय के लिए अपने पास रखा था, उस हिसाब से शॉर्ट टर्म का 15%, लॉन्ग टर्म का 25%, और ये कैपिटल एसेट
पे ही लगता है, फिर आपकी पर्सनल इफेक्ट, ये मैं कपड़े या रिमोट या ऐसा कुछ भेज दूँ उसका नहीं, मूवेबल प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल थिंग्स वगैरह वगैरह उस पर ये नहीं लगता है। स्पेसिफिक अमाउंट वगैरह अगेन सीए की परीक्षा नहीं, इसको छोड़ो। कैपिटल गेन्स टैक्स के जरिए अवॉइडेंस इवेजन कैसे होता है वो हम ब्लैक मनी के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, मैं शेयर बेचूँ तो कैपिटल गेन्स टैक्स कब लगेगा, अगर उसमें मुझे मुनाफा हो रहा है। बट सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ऐसा है कि मुझे मुनाफा हो रहा है या नुकसान, वो ट्रांजेक्शन के वक्त तो वो टैक्स लगेगा ही, एंड इट इज डायरेक्ट टैक्स ऑन द ट्रांजेक्शन। अब वो किसने काट के बनना है, परचेजर या सेलर ने, कितना लगता है, वो सारा हमको तैयार नहीं करना है, बस कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है। उसी प्रकार जो कमोडिटी मार्केट में खेलते हैं उनके लिए कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है। दोस्तों ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द यूनियन, इनकम टैक्स देख लो, कॉरपोरेशन टैक्स देख लो, जीरो प्रॉफिट वाली मिनिमम अल्टरनेट टैक्स भरती हैं, देन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एट द कंपनी काट के देते थे, कैपिटल गेन्स टैक्स एट द बायर वो काट के भरता था, बट अल्टीमेटली इट इज अ डायरेक्ट टैक्स ऑन माई इनकम, वो पढ़ लिया। देन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, वो ऑन द कैपिटल ट्रांजेक्शन डिस टैक्स ही लेवाई, वो पढ़ लिया। बाकी तो खत्म हो गए थे, क्यों खत्म, वो भी पढ़ लिया। सो लाइक दैट अपना बजट, उसका रेवेन्यू पार्ट, उसके अंदर रिसीप्ट, उसके अंदर टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स समझ लिए। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी इनडायरेक्ट टैक्सेस, और उसके बाद जीएसटी, ब्लैक मनी, डिमोनेटाइजेशन से असल में ब्लैक मनी वापस आया कि नहीं, वो सारी बातें। देन एक्सपेंडिचर और वहाँ पर सब्सिडी, तो वो सारी सब्सिडी खत्म करके क्या सबको यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे दे, वो बात। फिर ये पूरा बजट खत्म हो जाए तो ऊपर क्या होगा, फिजल डेफिसिट, और उसके लिए एफआरबीएम पैनल क्या थी, उसने क्या सिफारिश की, वो सारी चीज़ें एक एक करके हम खत्म करेंगे। मित्रों बजट के अंदर हमने ये टैक्स तो वहाँ पर डायरेक्ट टैक्स के बारे में समझ लिया, नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट इनडायरेक्ट टैक्स उसकी थियरी, और उसके बाद बजट 2017 के अंदर लेटेस्ट प्रोविजन वो देखेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स के दो प्रकार हो सकते हैं, स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट या फिर की एड वैलोरम टैक्स। आइसक्रीम का उत्पाद हो रहा है उसके ऊपर लगाएं उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी। एक तरीका हो सकता है आप बोल दो प्रत्येक कप के ऊपर 10 रुपये टैक्स लगेगा, एक एक यूनिट के ऊपर 10 रुपये टैक्स लगेगा, इरिस्पेक्टिव के उसके अंदर कितने मूल्य का आइसक्रीम भरा जा रहा है, 20 रुपये का है, 30 रुपये का, इरिस्पेक्टिव दे पर यूनिट 10 रुपये। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट है तो कितना टैक्स मिलेगा, 50 रुपये एक्साइज ड्यूटी में मिलेंगे। परंतु उसके विपरीत कुछ फैक्ट्री धारक ऐसा एक लीटर का पार्टी पैक बना के उसमें उतने वजन का वॉल्यूम का पूरा माल भर सकते हैं, राइट, और वो तो ये बोलेंगे देखो ये एक यूनिट है तो इस हिसाब से यहाँ तो 10 रुपये ही टैक्स मिलेगा। अर्थात ये स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट लागू करने में दिक्कत पहली ये आती है, हर एक बार सरकार ने स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब करेगा कि यूनिट की व्याख्या क्या होगी। आइसक्रीम के इतने ml का कप तो उसे एक यूनिट बोलेंगे, सिगरेट इतनी लंबाई की होगी तो उसको एक यूनिट बोलेंगे, एंड सो फॉर्थ। एक ये समस्या। दूसरी, ये आइसक्रीम का डब्बा मैं बड़ा बनाऊं और फैक्ट्री गेट से पास करूं और फिर नीचे रिटेलर को बोल दूं कि तुम स्कूप में भर भर के दे देना, तो भी और समस्या आ सकती है। मतलब वो पूरा इंस्पेक्टर राज सरकार ने देख रेख रखनी पड़ेगी। सो फॉर दोज रीजन स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट वो ज़रा दिक्कत वाला है। आसान तरीका हो जाएगा कि आप सीधा ऐसे बोल दो कि वो कप के अंदर आइसक्रीम जो है उसका मूल्य कितना है, वो मूल्य के ऊपर 10% टैक्स मांगा जाएगा। तो आइसक्रीम का जो भी उत्पादन हुआ, मान लीजिए 5 कप, अंदर मूल्य के हिसाब से आइसक्रीम कितना है, 20 रुपये का, 20 रुपये का, 20 रुपये का, लाइक दैट 5 टाइम्स, तो 100 रुपये का है और उसके ऊपर 10% ऑफ द वैल्यू, तो 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी मांगी जाएगी। और सामने आप अगर एक बड़े पार्टी पैक के अंदर ही इतना मूल्य का आइसक्रीम भर दो तो भी मूल्य के हिसाब से वो सेम रहेगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस, स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट इज एक्सप्रेस इन एब्सोल्यूट फिगर 10 रुपीज, और यहाँ एड वैलोरम टैक्स इट इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ द वैल्यू 10%। अब आप सोचेंगे सर यहाँ तो आइसक्रीम के 5 कप बने तो स्पेसिफिक टैक्स में तो 50 रुपये मिल रहे थे, एड वैलोरम में तो केवल 10 रुपये मिलेंगे, तो ये तो सरकार के लिए नुकसानी का धंधा है, कम टैक्स में पैसा आ रहा है। ये बात सही, परंतु क्योंकि अब आइसक्रीम के कप सस्ते हो गए तो जनता ज़्यादा आइसक्रीम खाएगी, सामने उत्पादन मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, एंड लाइक दैट द इकोनॉमी विल ग्रो एंड ग्रेजुअली एब्सोल्यूट फिगर के अंदर तो सरकार को ढेर सारी आवक फिर भी हो जाएगी। और सामने इंस्पेक्टर को आपको रखना नहीं पड़ेगा जैसे यहाँ पर रखना पड़ता था स्पेसिफिक टैक्स में, राइट। सो बिकॉज ऑफ ऑल दोज बेनिफिट्स यूजुअली वी प्रीफर टू यूज एड वैलोरम टैक्स। हाउएवर देर आर सम स्पेसिफिक आइटम्स जहाँ पर हम स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट मांगते हैं, जैसे कि आप देखिए सिगरेट्स 65 mm से लेकर 70 mm लेंथ मैंने बताया, वरना तो इतनी मोटी सिगरेट एक वो यूनिट है ऐसा बोलेगा, इसलिए हमेशा अपने लेंथ डेजिग्नेट करेंगे।
और फिर उसके ऊपर कितनी एक्साइज ड्यूटी लगेगी। तो अगर 1,000 ऐसे यूनिट बनाए तो पहले 260 रुपीज लगती थी, अब नए बजट में बढ़ा के बोल दिया 385। वाई इट इज़ वन टाइप ऑफ डीमेरिट गुड, सेहत को नुकसान करता है, इसलिए हमेशा उसको महंगा कर देना चाहिए। ओके, तो सिगरेट के ऊपर तो स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट लगता है, और आप देखेंगे एब्सोल्यूट फिगर में 260 रुपये, परसेंटेज नहीं बोला। उसके विपरीत ये च्यूइंग टोबैको, जर्दा, खैनी, उसके ऊपर आप पाएंगे परसेंटेज वाइज एक्साइज लगाया है, तो वो क्या है, मूल्य का है, मतलब एड वैलोरम। अब प्रश्न होता है ये स्पेसिफिक टैक्स सिगरेट के ऊपर क्यों लगाया होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से वो सप्लाई डिमांड सब समझ सकते हैं, बट इतना समय अपने को बिगाड़ना नहीं, रट्टा मारो जिंदाबाद, कि एड वैलोरम टैक्स के अंदर सप्लाई लाइन कैसी होगी, वो पैरेलल नहीं होगी, और स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट में कैसी होगी सप्लाई लाइन, इट विल बी पैरेलल। अर्थात पहले अगर ऐसे जा रही है तो जब टैक्स बढ़ाया जाएगा उसके ऊपर पर यूनिट, तो वो ऊपर हो जाएगी। ये पैरेलल सप्लाई लाइन का इम्प्लीकेशन क्या है मित्रों? सिगरेट के उत्पाद के ऊपर लग रहा है उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी, अर्थात कानूनन वो किसके ऊपर लग रहा है, वो सिगरेट के प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर के ऊपर। बट इन रियल लाइफ वो क्या करेगा, जैसे जैसे टैक्स बढ़ता जाएगा थोड़ा तो वो अपनी जेब से उसको बियर करेगा, बाकी वो सिगरेट का मूल्य ही बढ़ा देगा ताकि जनता की जेब के ऊपर उसका बोझ चला जाए, राइट? सो स्टैचुटरी इंसिडेंट इज ऑन हिज पॉकेट, बट इकोनॉमिक इंसिडेंस इज शेयर्ड बोथ बाय द प्रोड्यूसर एंड द कस्टमर्स। लेकिन जहां पर सप्लाई लाइन पैरेलल होती है वहां अगर आप टैक्स बढ़ाएंगे, मान लीजिए पर यूनिट 100 रुपये से बढ़ा के 200 तक ले जाएंगे, तो फिर आप ब्लू लाइन को फॉलो करें, दैट इज डिमांड लाइन। तो पता चलेगा कि जैसे जैसे ये टैक्स पर यूनिट बढ़ते जाता है, तो पहले जो लोग 40 सिगरेट फूंक रहे थे बाद में जाके केवल 20 सिगरेट ही फूकेंगे, बिकॉज मोर ऑफ द बर्डन विल बी पुट ऑन देम, इकोनॉमिक वाला बर्डन कस्टमर पे ज्यादा चढ़ जाता है। इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्वरूप में और रिफाइन करके समझ सकते हैं, बट बेसिकली सिगरेट एंड अदर डीमेरिट गुड्स ज्यादातर प्रयत्न किया जाता है कि पर यूनिट स्पेसिफिक टैक्स लगाया जाए ताकि बहुत ज्यादा ग्राहक के ऊपर उसका बोझ लगे। मान लीजिए भारत के अंदर 100 ml पैराशूट का ऑयल बना है जिसका मूल्य है 100 रुपये, और उसके ऊपर सरकार घोषित करती है कि 6% एक्साइज ड्यूटी एड वैलोरम, मतलब वो जो वैल्यू है 100 रुपये उसका 6%, 6 रुपये कुल मिला के 106 रुपये का ये बोतल हो गई। और मान लीजिए नीचे कोई वैट, GST, सेल टैक्स ऐसी कोई चीज नहीं है, तो बाजार में सीधी 106 रुपये में ही ग्राहक को पड़ रही है, ये एक बात। उसके सामने मान लीजिए चाइना वाले अपने लोकल बाजार में उनका देसी चाइनीज ऑयल 106 रुपये में बेचते हों, और वही चीज भारत के बाजार में जब वो एक्सपोर्ट करे तो केवल 60 रुपीज में एक्सपोर्ट कर रहे हों। अब ऐसे केस में अगर भारत वाले वो अपने नजरिए से कि चाइना का माल इंपोर्ट हो रहा है, उसके ऊपर हम कस्टम ड्यूटी अगर 6% भी लगा दें, 12% भी लगा दें, तो भी वो चीज तो लोकल लोगों को देसी भारतीय माल के सामने ये चाइनीज माल ज्यादा सस्ता लगेगा। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज ये चाइना वाले जानबूझ के हमको सस्ता माल भेज रहे हैं कंपेयर टू व्हाट द प्राइसेस दे आर सेलिंग इन देयर ओन मार्केट, सो दे आर डूइंग डंपिंग। इसलिए ऐसे केस में हम कस्टम ड्यूटी भी लगा सकते हैं, प्लस उसके ऊपर डंपिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगा सकते हैं, ताकि भारत का जो माल है उसकी बराबरी में वो आ जाए। सो देन कस्टमर विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट रादर देन द चीपनेस ऑफ द प्रोडक्ट, एक काम यह हो सकता है। सामने मान लीजिए अगर थाईलैंड के अंदर उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़िया हो, जिसके चलते कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये करते हुए उनके लोकल बाजार में ही वो अपना पैराशूट ऑयल 60 रुपये में बेच पा रहे हो, और 60 ही रुपये में वो भारत को भी एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब यहाँ पर देखिए, वो दे आर नॉट डूइंग डंपिंग, वो तो जो लोकल बाजार में बेच रहे थे वही दाम पे भारत को भी बेच रहे हैं। नाउ इन दिस केस ऑल्सो भारत के नजरिए से क्या है, इम्पोर्ट हो रहा है। अब अगर हम इस चीज पे मान लीजिए 12% भी कस्टम ड्यूटी लगा दे, तो भी वो अपने लोकल ऑयल के सामने तो ये काफी थाईलैंड का ऑयल सस्ता दिखेगा, राइट? सो इन दिस केस व्हाट वी कैन डू टू प्रोटेक्ट अवर लोकल प्रोड्यूसर्स, ये जो इम्पोर्ट होने वाली चीज है उसके ऊपर हम एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी लगा दें, जिसको बोला जाता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी समझ लिया, काउंटर वेलिंग ड्यूटी समझ लिया, स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम समझ लिया। ड्यूटी इन्वर्जन क्या होता है, भारत के अंदर हमने कोकोनट उगाया, अब उसको छील के उसका तेल निकाला, राइट, उसको प्योरीफाई किया, फिर ये प्लास्टिक की बोतल में आप भरने जाएंगे तो वो प्लास्टिक के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती हो, उसके ऊपर ये प्रिंट का कलर चढ़ा है उसके ऊपर जो लगता हो, वो डिजाइन करवाया तो वो डिजाइनर को सर्विस टैक्स जो देना पड़ा वो सब लगता हो। परिणाम स्वरूप कई बार ऐसा पाया जाता है कि बाहर से आने वाला, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से पैराशूट ऑयल बाहर से आने वाली चीज हो वो सस्ती लगे हमको, और लोकल चीज अगर ऐसी मैन्युफैक्चरिंग करने जाए पैराशूट की, हो सकता है वो
उनके सामने मैगी ही लगे। इन दैट केस व्हाट पीपल विल डू, देसी कोकोनट वो सीधा खा ही लेंगे और चटनी बना लेंगे, और जब सर में तेल लगाने की बारी आएगी तो थाईलैंड का माल मंगवा लेंगे। सो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड ड्यूटी इन्वर्जन, और ड्यूटी इन्वर्जन से लड़ना हो तो क्या करना चाहिए, देन यू हैव टू डू समथिंग लाइक दिस काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेसिफिक एड वैलोरम और दूसरे ये थोड़े कंसेप्ट समझ लिए। नाउ व्हाट आर द इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द यूनियन, सबसे पहले तो कस्टम ड्यूटी, जिसके अंदर एक होता है बेसिक ड्यूटी, उसके ऊपर हम एडिशनल ड्यूटी लगा सकते हैं जिसको हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी कहते हैं, कई केस में स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी लगानी पड़ती है। फिर होता है एक्साइज ड्यूटी, अपनी लोकल चीज वस्तुओं का जो उत्पाद हो रहा है उसके ऊपर उत्पाद शुल्क, पेट्रोलियम पर भी लग सकता है, मतलब क्रूड ऑयल से आप जब रिफाइन करते हो उसे, टोबैको के ऊपर लग सकता है जो उसका बीड़ी गुटखा तंबाकू खैनी बना दिया, अल्कोहल और नार्कोटिक्स पे भी लगता है इफ यू आर यूजिंग इट फॉर प्रिपरेशन ऑफ सम मेडिसिनल और टॉयलेटरी प्रिपरेशंस। दवाई में तो बराबर ये स्पिरिट टिंचर वगैरह के अंदर, नार्कोटिक्स तो उसका पेन किलर वगैरह, टॉयलेटरी प्रिपरेशन में कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये डिओड्रेंट एंड परफ्यूम, वहाँ पर अल्कोहल होता है, आप जब स्प्रे मारेंगे देन अल्कोहल विल स्लोली गेट इवेपोरेटेड, तो उसके साथ जो सुगंधी द्रव्य है वो भी हवा में फैल जाएंगे, एंड लाइक दैट यू विल फील द फ्रेग्रेंस, सो दैट इज अल्कोहल यूज्ड इन द टॉयलेटरी प्रिपरेशन। तो इस प्रकार का जो उत्पादन हो रहा है उसके ऊपर केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी मांग सकती है, एंड ऑन दी अदर ऑल दिस थिंग, ये टीवी फ्रिज मोबाइल वगैरह तो है, सर्विस टैक्स आप समझते हैं, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई चीज बिकने को जाती है तो बीच में केंद्र सरकार सेंट्रल सेल्स टैक्स मांगती है, परंतु जो राज्य एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरे राज्य को उसी को वो टैक्स का पैसा दे दिया जाता है, इसलिए अगर आप केंद्र का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे वहां पर वो 00 के स्वरूप में दिखाया जाता है। मित्रों यहां पर मैं ये केंद्र सरकार की अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस वहां पर कुछ मैंने रेड कलर में लिखे हैं, मतलब दे आर रिमूव अंडर द GST रिजीम, ठीक है, एडिशनल काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑफ द कस्टम एक्साइज सर्विस सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड सो फॉर्थ, लेकिन ब्लू मतलब बच गया, क्या बच गया, पेट्रोलियम बच गया, पेट्रोलियम का जो रिफाइनिंग होता है उसके ऊपर एक्साइज लगेगा, जब वो बिक्री में जाएगा तो राज्य सरकार का वैट लगेगा, लेकिन जब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल बोल देगा देन दैट एंटायर थिंग विल बी ब्रॉट अंडर द GST थिंग, फिर उसके ऊपर ये एक्साइज वैट नहीं लगेगा। टोबैको उसका जो बीड़ी गुटखा तंबाकू खैनी बनता है उसके ऊपर GST भी लगेगा प्लस एक्साइज भी लगेगा, कस्टम ड्यूटी में वो बेसिक व्हेन वी आर इंपोर्टिंग दैट विल आल्सो कंटिन्यू। इन सभी चीज़ों के ऊपर अलग अलग प्रकार के सेस सरचार्ज भी लगते थे, जैसे सर्विस टैक्स तो उसके ऊपर कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस वगैरह, सो बिकॉज आई हैव रिटन इट इन रेड कलर उसका मतलब क्या, दे विल ऑल्सो बी रिमूव्ड अंडर द GST। परंतु हाँ, अगर सरकार को लगे कि राज्य सरकारों की नुकसानी हो रही है उसकी भरपाई के लिए GST कंपेंसेशन सेस लगाना है देन सम ऑफ दिस थिंग्स उसके ऊपर वो GST के उपरांत सेस लगा सकते हैं, ये एक बात हुई। अब राज्य सरकार के परोक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेल वेल वो मांग सकते हैं, हर एक चीज़ जो बिकती है उसके ऊपर वो वैट मांग सकते हैं, तो वैट किस किस पे मांग सकते हैं, पेट्रोल डीजल वो सारी चीज़ें जब बिकती हैं, न्यूज़पेपर पे नहीं मांग सकते, वो केंद्र मांग सकता है। देन एक्साइज, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड दिस कल्टीवेशन ऑफ नार्कोटिक थिंग्स उसके ऊपर वो मांग सकते हैं, बट नॉट ऑन द मेडिसिनल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशन, उसके ऊपर केंद्र मांग सकता है। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हाँ, ये जो होर्डिंग सिटी के अंदर लगते हैं उसके ऊपर वो मांग सकते हैं, परंतु टीवी रेडियो न्यूज़पेपर पे दे जाने वाले विज्ञापन उसके ऊपर केंद्र सरकार अपना सर्विस टैक्स मांग सकता है। परचेस टैक्स हाँ, व्हीकल एनिमल बोर्ड के ऊपर, उसके अलावा वो रोड टैक्स के नाम पे भी जब व्हीकल परचेस किया उस पे वो मांगते थे। फिर अलग अलग प्रकार के टोल, ट्रांसपोर्ट, एंटी टैक्स, ऑक्ट्रॉय, कुछ केस में वो चीज़ लोकल बॉडी को वो हैंड ओवर कर देते कि आप वसूलना। लग्जरी टैक्स, ये बैटिंग गैम्बलिंग के ऊपर लगने वाले टैक्स, मनोरंजन कर, एंटरटेनमेंट टैक्स, बट वो भी कुछ केस में लोकल बॉडी के हस्तांतरण कर देते थे। अब यहाँ पर भी मित्रों, मैंने जो चीज़ें रेड कलर में लिखी अर्थात दे विल बी रिमूव्ड अंडर द GST, और ब्लू वाले बच गए। अब बच गए तो देखिए, लीकर वहाँ पर देसी, क्योंकि पीने वाला जो दारू है उसको अलग रखा गया है, और पेट्रोलियम तो मैंने बोला कि जब तक GST काउंसिल ना बोले तब तक वो पुराने सिस्टम में चलेगा, अर्थात पेट्रोलियम के रिफाइनिंग पे लगेगा एक्साइज ड्यूटी और उसकी बिक्री पे लगेगा स्टेट का वैल्यू एडेड टैक्स। उसके अलावा ये सभी चीज़ों पे लगने वाले सेस सरचार्ज वो खत्म कर दिए गए, बट हाँ, अगर GST काउंसिल को लगे कि राज्यों को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए अगर हमने GST कंपेंसेशन सेस लगाना है देन दे कुड इम्पोज।
अब आपको चिंता होगी सर, इतना सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हम याद कैसे रखें? आसान है, जीएसटी आने पर सभी प्रकार के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के इनडायरेक्ट टैक्स खत्म हो जाएंगे, सिवाय कि जो चीज को अजय देवगन टच कर ले। उन्होंने ये फॉरेन बाइक को टच कर लिया, धूम स्टाइल की ये बाइक है, बाहर से आयात की होगी तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगी, भले जीएसटी आ गया बट कस्टम ड्यूटी बच गया बिकॉज देवगन ने टच कर लिया। अब ये गाइड बाइक हवा में नहीं चलेगी, पेट्रोल भराना पड़ेगा, बट वो पेट्रोलियम भी इम्पोर्ट करेंगे तो हाँ कस्टम ड्यूटी लगेगी, वो पेट्रोलियम सीधा नहीं डाल सकते, वो रिफाइन करना पड़ेगा, तो रिफाइनिंग के वक्त एक्साइज ड्यूटी लगती है, वो भी बच गई, और वो जब बिक्री से पेट्रोल अंदर भरेंगे आप तो उस पर राज्य सरकार का वैट वो भी लगेगा, अंटिल जीएसटी काउंसिल नोटिफाइज कि भाई ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर एक्साइज वैट नहीं, अब से जीएसटी करना है, तो वो लोग बच गए बिकॉज देवगन ने वो टच कर लिया है। देवगन को विमल गुटखा का भी शौक है, टोबैको प्रोडक्ट्स उसके ऊपर सेंटाइल एक्साइज लगेगा, परंतु यहाँ पर एक थोड़ा कैवियट है, आप ऐसे विजुलाइज करिए कि विमल गुटखा खाने से केसर की बहार हो जाती है, तो बहार के थोड़े छींटे जेटली को भी लेना पसंद है, सो लाइक दैट जीएसटी काउंसिल उसका जीएसटी भी लगेगा प्लस सेंट्रल एक्साइज भी लगेगा ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स। और देवगन को पीने का भी शौक है तो वो भी दारू की बोतलें बच गई, उनके ऊपर स्टेट एक्साइज ऑन अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वो लगेगा, तो इस प्रकार से याद करना थोड़ा आसान है। हाँ, थोड़ी और कैवियट भी है कि जो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस राज्य सरकारों ने लोकल बॉडीज को हैंडओवर कर दिए थे, मनोरंजन कर या ऑक्ट्रॉय कर वगैरह, वो दे विल कंटिन्यू इवन अंडर द जीएसटी सिस्टम। ये सारी चीज़ों को जरा और रिफाइन तरीके से हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन जीएसटी, अभी के लिए ये थोड़ा ताकि दिमाग में बैठना शुरू हो जाए कि अच्छा ये होने वाला है। बजट 2017 के अंदर केंद्र सरकार के इनडायरेक्ट टैक्स सबसे ज्यादा आवक उनको कहाँ से होने वाली है, ऐसा उनका प्रोजेक्शन है कि एक्साइज में सबसे ज्यादा होगी, दूसरे नंबर पर सर्विस टैक्स, तीसरे नंबर पर कस्टम ड्यूटी एंड फोर्थ इज सेंट्रल सेल्स टैक्स। 0-0 क्यों लगा है मैंने आपको बताया, एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई चीज बिकने को जाती है उसके ऊपर केंद्र सरकार का ये सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता तो है, बट दैट एंटायर अमाउंट इज असाइन टू द एक्सपोर्टर स्टेट, इसलिए यहाँ पर 0-0, सो इन दैट डिसेंडिंग ऑर्डर यू रिमेंबर। अब इस प्रकार से जो लाखों करोड़ों रुपए इनडायरेक्ट टैक्स में मोदी सरकार को मिल गए तो क्या वो सारे उनके पैसे हो गए? जवाब है ना। यहाँ पर भी एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द 14 फाइनेंस कमीशन, ये टैक्स में जो भी आमदनी हुई उसका 42% दे हैव टू गिव टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट, और वहां पर भी ये फॉर्मूला के हिसाब से चलेगा, बट देर आर सम कैवियट्स। एक्साइज के अंदर क्योंकि राज्य सरकारों को पीने वाले दारू पे लेने का हक है और वो कोई मोदी सरकार को वापस देते नहीं, दे डू नॉट शेयर, देयरफॉर ऊपर जो अल्कोहल फॉर मेडिसिनल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशन उसके ऊपर केंद्र सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी ली होगी उनमें से वो नीचे राज्यों को नहीं देंगे, एक बात। दूसरा, सर्विस टैक्स जम्मू कश्मीर के अंदर उन लोगों ने उसका कानून पास नहीं किया है, अर्थात केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर से सर्विस टैक्स की आमदनी होती नहीं, देयरफॉर दे विल नॉट गिव एनी शेयर टू देम। सिमिलरली सेंट्रल सेल्स टैक्स तो वो तो एक्सपोर्टर स्टेट को पहले से ही असाइन हो गया, तो अब 42% में देने के लिए कुछ है ही नहीं, और देने भी है तो क्या मल्टीप्लाई विद जीरो कुछ नहीं आएगा, सो लाइक दैट द मनी विल गो डाउन। ऊपर से नीचे इनडायरेक्ट टैक्स का वर्टिकल डेवोल्यूशन होगा, 42% से सरचार्ज का पैसा इस प्रकार से डेवोल्यूशन नहीं होगा। अब ऊपर से नीचे पैसा है तो हॉरिजॉन्टली प्रत्येक राज्य को कितना मिलेगा, मैंने आगे भी आपको बताया था, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स डिटरमाइंड बाय द फाइनेंस कमीशन, राज्य का विस्तार कितना, एरिया, फॉरेस्ट कवर, पॉपुलेशन वगैरह वगैरह, उस हिसाब से यूपी को सबसे ज्यादा मिलेगा 18%, गुजरात को मिलेगा अराउंड 3%। ये तो बात हुई, अब गुजरात सरकार का खुद का बजट 2017 और वहां पर उनको कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स से कितनी आमदनी होने वाली है। सबसे ज्यादा उनको होगा फ्रॉम वैट, वाणिज्य वेरो, देन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, देन टैक्सेस ऑन द व्हीकल्स, देन टैक्सेस ऑन द गुड्स एंड पैसेंजर्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड एक्साइज। आप देखिए बिहार तो वहां पर स्टेट एक्साइज ऑन लीकर पहले बहुत ज्यादा रकम थी, बट देन यू विल फाइंड कि 2016 में आधा हो गया और भी नीचे नीचे कम होता जाएगा, वाई, बिकॉज प्रोहिबिशन आ गया। और सामने मध्य प्रदेश, वो तो विकास के पंथ पे ही है, वहां पर स्टेट एक्साइज ऑन लीकर हर साल बढ़ रही है, पीने का कुछ ज्यादा ही शौक लगते हैं लोग। एज सच नार्कोटिक क्रॉप्स, नशीले द्रव्य उसकी गैर कानूनी है, परंतु राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ओपियम पॉपी अफीम की खेती की अनुमति है, वाई, दवाइयाँ बनाने के लिए जरूरत पड़ती है, मॉर्फिन, कोडेन, थीबेन, इससे हेरोइन स्मैक भी बन सकता है, बट दैट इज गैर कानूनी, दैट इज नॉट परमिटेड, बट बाकी ये जो दवाइयाँ बनाने के लिए उत्पादन करना पड़ता है, तो ये जो क्रॉप लगाया गया उसका लाइसेंस ये राज्य सरकार देती है, आपने इसकी खेती की फिर आप दवाई की कंपनी को बेचोगे उस वक्त
ये राज्य सरकार वाले उसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स लगाते हैं, वैट, सो दे कैन डू दिस थिंग। परंतु कैनाबिस भांग तो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, उसके अंतर्गत उसकी तो खेती की गैर कानूनी है, उसमें से हशीश चरस गांजा वगैरह बनता है, दैट इज इलीगल, तो ना ही उसकी लाइसेंस मिल सकता है कल्टीवेशन का, ना ही उसके ऊपर टैक्स लिया जा सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स के अलग अलग प्रकार, राज्य सरकार केंद्र सरकार कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं वो समझ लिया। नाउ व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस? कन्वीनियंट है, उसका अलग से कोई हर बार पान कार्ड नंबर देखा हो रिटर्न फाइल करो ऐसा ग्राहक के लिए तो नहीं है। एंड दे हैव अ वाइडर बेस, राइट, अमीर हो गरीब हो हर एक ने साबुन शैम्पू कुछ भी खरीदा, टैक्स तो सबको देना पड़ता है। दे आर इलास्टिक, अगर साबुन के ऊपर 1 रुपया या 1% भी अगर आप टैक्स बढ़ा दे तो भी, क्योंकि सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ढेर सारे करोड़ों रुपए की आमदनी सरकार को हो सकती है। उसी प्रकार सिगरेट अल्कोहल ऐसे डीमेरिट गुड्स, हार्मफुल गुड्स के ऊपर आप ज़्यादा टैक्स लगा के उनकी कंजम्पशन कम करा सकते हो। व्हाट आर द डीमेरिट्स? इनडायरेक्ट टैक्स, मान लीजिए दूध की थैली पर 1 रुपया दाम बढ़ा दिया जाए टैक्स का, तो मुकेश अंबानी 4 थैली खरीदने वाले 4 ही थैली खरीदेंगे, और गरीब या मध्यम वर्ग एक एक फैमिली कितना लेगा, सो देन क्वांटिटी वाइज आप पाएंगे कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स में 1 रुपया बढ़ाया गया तो उसका ज़्यादातर हिस्सा तो गरीब और मध्यम वर्ग की जेब से निकलेगा, अमीर आदमी की जेब से कम निकलेगा। सो देयरफॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कॉल्ड रिग्रेसिव इन नेचर, क्योंकि वहाँ पर अमीर गरीब दोनों पर एक समान टैक्स लगता है, एंड अल्टीमेटली पुअर एंड अप पेइंग मोर पोर्शन ऑफ देयर इनकम इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस। सिंगल पॉइंट इनडायरेक्ट टैक्सेस, फॉर एग्जाम्पल सेल टैक्स, वहाँ पर करप्शन, इवेजन, अवॉइडेंस, कास्केटिंग इफेक्ट, ये सारी समस्याएं रहती हैं, वो उसका डीमेरिट। हावेवर वेट और जीएसटी के अंदर वो बहुत कम रहता है, वो क्यों नेक्स्ट लेक्चर में आराम से पढ़ेंगे। मित्रों इनडायरेक्ट टैक्स के प्रकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार के कौन कौन से हैं, उनका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वो समझ लिया। नाउ व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्सेस इन बजट 2017? एज सच, क्योंकि जीएसटी आने वाला है तो सरकार ने एक्साइज कस्टम सर्विस के अंदर कोई बहुत बड़े सुधार किए नहीं, परंतु ये मेक इन इंडिया, भारत के अंदर ही चीज वस्तुओं का निर्माण हो उसको प्रोत्साहन देने के लिए हर साल जो थोड़ा बहुत किया जाता है वो किया गया। जैसे कि इम्पोर्ट होने वाली चीज़ों पर आप लगाते हैं कस्टम ड्यूटी, तो रॉ मटेरियल के ऊपर वो कम कर देंगे, राइट, ताकि सस्ता कच्चा माल ला सके, देन वी कैन डू मोर मैन्युफैक्चरिंग हियर ओनली। सो रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट गुड्स, रिन्यूएबल एनर्जी के पार्ट्स, वहाँ पर सस्ता किया गया। हावेवर फिनिश गुड का सीधा इम्पोर्ट, मान लो आईफोन या ऐसी कोई चीज़ सीधी आ रही है, उस पर धीरे धीरे बढ़ाएंगे ताकि लोकल अपना मोबाइल फोन ज़्यादा बिके, लोगों को सस्ता दिखे। उसी प्रकार ड्यूटी इन्वर्जन जहाँ पर हो रहा, फॉर एग्जाम्पल वो थाईलैंड वाला कोकोनट ऑयल, तो उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे और अपनी लोकल चीज़ों पे, ताकि एक समान भाव दिखे। ये एक बात हुआ कि आयात होने वाली चीज़ों पर क्या, सामने हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी लगती है। सो ऑब्वियसली जो कच्चा माल सीधा अगर एक्सपोर्ट हो रहा तो उसको डिस्करेज करने के लिए वहाँ पर बढ़ा दो, और अगर फिनिश गुड एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसके ऊपर ये कस्टम ड्यूटी कम कर दो, ताकि विश्व बाजार में अपनी चीज़ ज़्यादा सस्ती दिखे। एक्साइज उत्पाद शुल्क, तो एनवायरमेंटली बेनिफिशियल प्रोडक्ट ये एलईडी लाइट है, कुछ सोलर पैनल, सोलर कुकर, उसके ऊपर सस्ता कर दो उसके मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज, और सामने लग्जरी गुड्स, एरेटेड ड्रिंक्स, टोबैको, हार्मफुल आइटम, ये सभी के ऊपर आप उत्पाद शुल्क पहले से बढ़ा दो। जैसा मैंने बताया ज़्यादा कोई बहुत बड़े फेरफार किए नहीं गए, क्योंकि जीएसटी आने वाला था। अब जीएसटी के अपने आंतरिक स्लैब क्या है, वहाँ कौन सी चीज़ कौन से स्लैब में डाली गई, दैट वी विल सी इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर। डायरेक्ट टैक्स के ऊपर एजुकेशनल सेस 3% लगता था हमने देखा, तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है वहाँ पर क्या कोई सेस की रकम लगती है? हाँ, साल 2016 के बजट में सरकार लेके आई इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, जो कि व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग होता है तब लगने वाला एक्साइज, उसके ऊपर ये सेस की रकम लगती थी। वो कितनी रकम लगे, 1% to 4% डिपेंडिंग कि वो कार की इंजन कैपेसिटी कितनी है, बड़ी एसयूवी टाइप की होगी तो ज़्यादा लगेगा 4%, छोटी वाली कार तो 1%, और वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक कार्स, पब्लिक व्हीकल, एम्बुलेंस वगैरह, उस पर भी ये सेस नहीं लगाएंगे। और नाम से ही सिद्ध है कि सेस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए ये पैसा इस्तेमाल करेंगे, और फाइनेंस कमीशन ये पैसा 42% नीचे राज्यों को शेयर करो ऐसा बोल नहीं सकते, ये हुआ। इसके अलावा क्लीन एनवायरनमेंट सेस, वो तो कई सालों से हैं, बस नाम बदलते रहे हैं, तो ये भी कंटिन्यू किया गया। प्रत्येक 1 टन कोयले के उत्पादन पे लगेगा एक्साइज, और उसके ऊपर 400 रुपये प्रति टन ये वाला टैक्स लगेगा। तो देखिए वो वाला परसेंटेज दिस वाला पर यूनिट टाइप का हुआ, पर टन, बट दिस इज नॉट अ टैक्स, दिस इज सेस। तो एड वैलोरम स्पेसिफिक यूनिट वैसे कंसेप्ट नहीं है, सेस वस्तु अलग है। सर्विस टैक्स प्रत्येक
हर एक प्रकार की सर्विसेज के ऊपर 14%। उसके अलावा साल 2015 से बोला कि 0.5% स्वच्छ भारत सेस लगाएंगे, और उसके बाद साल 2016 से लेकर आए कि इसके अलावा 0.5% कृषि कल्याण सेस लगाएंगे। नाम से ही सिद्ध है, स्वच्छ भारत में जाएगा, कृषि कल्याण में जाएगा। एक और बात मित्रों, यहाँ पर ये जो सेस है वो 14% का 0.5% ऐसा नहीं, जो कुल बिल की रकम है उसका। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का बिल बना, उस पर सर्विस टैक्स 14 रुपये बनेगा, और क्योंकि बिल 100 रुपये का है तो उसका 50 पैसा वो कृषि कल्याण सेस अलग से, दूसरा 50 पैसा ये स्वच्छ भारत सेस अलग से, मतलब 14 प्लस 50 पैसा प्लस 50 पैसा कितना हुआ, 15 रुपये इफेक्टिव सर्विस टैक्स पड़ता है। सर्विस टैक्स की जरा थियरी भी हम समझ लें। कस्टम ड्यूटी वसूलने के लिए अलग से कानून है, हाँ। एक्साइज ड्यूटी लेने के लिए अलग से कानून है, सेंट्रल एक्साइज एक्ट। इनकम टैक्स लेने के लिए अलग कानून है, हाँ, इनकम टैक्स एक्ट। तो क्या सर्विस टैक्स लेने के लिए अलग से कोई कानून है? ना। इन द ईयर 1994 नरसिंह राव की सरकार थी, तब एक राजा चेलिया समिति की सिफारिश के ऊपर ये सीधा ही डाल दिया। तो फाइनेंस एक्ट के अंदर केवल एक चैप्टर के अंदर इसका जिक्र किया गया। आगे चल के इन द ईयर 2003 88 अमेंडमेंट के जरिए केंद्र सरकार को ये पावर दिया गया कि आप हर एक प्रकार की सर्विसेज के ऊपर ये सर्विस टैक्स ले सकते हो। जम्मू कश्मीर में नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने वो कानून वहाँ पर पास नहीं किया, बट देन अगेन वहाँ नहीं ले सकते तो सामने फाइनेंस कमीशन उनको शेयरिंग में 42% वाली वो धारा सर्विस टैक्स की वहाँ पर जाएगी नहीं। सर्विस टैक्स क्या हर एक व्यापारी ने कलेक्ट करना पड़ता है? ना। जिनका एनुअल टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा हो, उन्होंने ग्राहक को जो सर्विस दे रहे हैं तब सर्विस टैक्स लेना पड़ेगा, और ग्राहक से लिया हुआ सरकार में जमा कराना पड़ेगा। देयरफॉर आफ्टर ऑल इनडायरेक्ट टैक्स है तो अल्टीमेटली इट इज बॉर्न बाय द कस्टमर, बट व्यापारी ले के सरकार में जमा, देयरफॉर यू से इट इज इनडायरेक्ट टैक्स, अनलाइक द फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, अनलाइक द होटल रिसिप्ट टैक्स जो हमने आगे डायरेक्ट टैक्स के अंदर पढ़ा था। ये सर्विस टैक्स के अंदर कोई TDS या टैक्स कलेक्शन नेट सोर्स ऐसे कोई प्रावधान नहीं है, तो आगे चल के ग्राहक रिफंड का पैसा नहीं मांग सकता। अब ये टैक्स कलेक्शन नेट सोर्स वगैरह क्या होता है, ब्लैक मनी में आराम से पढ़ेंगे। सर्विस टैक्स किन चीजों पे लगता है? उसका जवाब ये है कि किन चीजों पे नहीं लगता, ऐसा आप एक विन डायग्राम बना, उसके बाहर जो जो सर्विस आगे सब पे लगता है। तो मतलब सर्विस टैक्स किस पे नहीं लगता, दो टाइप के लिस्ट होते हैं। पहली बात मैंने बताया कि अलग से कानून नहीं, बट फाइनेंस एक्ट के अंदर ही एक चैप्टर है, राइट। वो चैप्टर के अंदर एक लिस्ट दिया गया कि इन चीज़ों पे नहीं लगेगा। ऐसी कुल मिला के 17 कैटेगरी है कि RBI जो सेवाएं देती है, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन भारत के अंदर जो सेवा दे रहे हैं, भारत के अंदर ही कोचिंग क्लास नहीं बट जो नियमित रूप से स्कूल कॉलेज वाली जो पढ़ाई की शिक्षा है वो एक सर्विस हुई, एंड सो ऑन। इस प्रकार की कुल 17 कैटेगरीज दे आर मेंशनड इन द फाइनेंस एक्ट इटसेल्फ, और बोला गया इन पे नहीं लगेगा, नेगेटिव लिस्ट बोलते हैं। तो ये तो क्योंकि कानून में लिखा है, मतलब यहाँ अगर आपने 17 से मान लीजिए 15 करना है या 17 से बढ़ा के 20 करना है, इफ़ यू डू वॉन्ट टू डू एनी टाइप ऑफ अमेंडमेंट तो आपने पार्लियामेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी, एंड बिकॉज दिस इज टैक्स रिलेटेड थिंग तो ये क्या हुआ, मनी बिल हो जाएगा। तो मतलब लोकसभा की अनुमति लेनी होगी, राज्यसभा को तो केवल बस मुंह दिखाई करनी है। तो सर्विस टैक्स किस पे नहीं लगेगा, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो नेगेटिव लिस्ट में हो, या दूसरा सरकार वो लिस्ट में जिक्र ना हो परंतु अपने गैजेट नोटिफिकेशन से जारी कर दे कि इस तारीख से इस तारीख के लिए ये चीज़ को हम बाहर रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्जेम्प्टेड लिस्ट। और क्योंकि ये गैजेट के द्वारा जारी किया गया तो वहाँ पार्लियामेंट की अनुमति लेना जरूरी नहीं है उसको इशू करने में, उसमें कोई बदलाव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति, जनधन वगैरह, तो ये बैंक, LIC वगैरह वाले क्या करें, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बट उसके ऊपर कोई सर्विस टैक्स के प्रावधान नहीं, ताकि ग्राहक को फाइनेंशियल इंक्लूजन में वो सुविधा रहे, तो ऑल दिस थिंग्स आर एग्जेम्प्टेड। बजट 2017 के अंदर क्योंकि GST आने वाला था तो बहुत बड़े सर्विस टैक्स में कोई बदलाव किए नहीं, परंतु दो सर्विसेज को ये जो एग्जेम्प्टेड लिस्ट है वहां पर रख दिया गया, मतलब बिना पार्लियामेंट की अनुमति के इनको अभी के लिए बाकात है। ये दो सर्विस थी आर्मी नेवी एयरफोर्स के अपने ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स और IIM अहमदाबाद के अंदर नॉन रेजिडेंशियल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। इन दोनों पे पहले 14% सर्विस टैक्स लगता था, बट क्योंकि अब एग्जेम्प्टेड लिस्ट के अंदर रख दिया गया सो नील नील नहीं लगेगा। इसके अलावा कौन कौन सी GST आने पर कौन कौन सी चीज सर्विसेज पे GST लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, इन डिटेल वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन GST इटसेल्फ। सर्विस टैक्स हमने समझ लिया, अभी एक मुद्दा चल रहा है कि सर्विस चार्ज भरना कंपलसरी नहीं है, तो ये दो चीज क्या है समझते हैं। आप होटल में खाना खाते हैं, जो बिल बना उसके ऊपर राज्य सरकार वैल्यू एडेड टैक्स मांगती है, वाई?
दाल चावल रोटी चपाती वो सब बना के आपको दे रहे हैं, राइट। तो फूड एंड बेवरेजेस बिक्री हो रही है तो राज्य का बिक्री कर वैल्यू एडिड टैक्स बनता है। साथ ही साथ अगर आप एसी होटल में खाना खा रहे हैं देन होटल इज प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस, वहां पर केंद्र सरकार सर्विस टैक्स मांग सकती है। पर मित्रों आप समझिए, अगर 100 रुपये का हमने खाना खाया उसके ऊपर 14% सर्विस टैक्स मांगा गया, तो वहां पर तो फिजिकल गुड्स भी हैं उस कारण से वो तो 100 रुपये का बिल बना है, रोटी चपाती वो सब, राइट। तो एंटायर अमाउंट पे 14% सर्विस टैक्स मांगना योग्य नहीं होगा, इसलिए बिल अमाउंट का 60% अबेटमेंट दिया जाता है बिकॉज देर आर सम गुड्स ऑल्सो। अर्थात जो कुल रकम है बिल की उसका केवल 40% रकम के ऊपर ही आपने सर्विस टैक्स भरना पड़ेगा। तो कितना सर्विस टैक्स होगा उस हिसाब से, मतलब 40% के हिसाब से आप निकालें सर्विस टैक्स, स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस ऑन द 40% ऑफ द बिल अमाउंट, कुल मिला के वो बिल अमाउंट के ऊपर 6% जितना केंद्र सरकार की जेब में जाएगा। नाउ दिस इज सर्विस टैक्स, वो भी कंपलसरी है, ग्राहक को भरेगा, व्यापारी लेगा और सरकार में जमा कराएगा। इसके अलावा आपको अगर सर्विस पसंद आए, आप पहले वेटर को टिप दे देते, लेकिन आजकल कुछ रेस्टोरेंट वाले वेटर टिप की बजाय वो जो बिल अमाउंट बनी उसमें प्लस सर्विस चार्ज के नाम पे 5% 20% उनको जो मर्जी आए ऐसी रकम लिख देते थे। ये वाली चीज़ कंपलसरी नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने बोला है कि अगर आपको होटल में सेवा पसंद नहीं आए देन यू कैन रिफ्यूज टू गिव दिस सर्विस चार्ज। आप समझ रहे हैं, सर्विस टैक्स तो कंपलसरी है बट दिस सर्विस चार्ज इज नॉट कंपलसरी इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस। खैर जीएसटी आने पर तो ये सारे वैट सर्विस टैक्स ये सब खत्म। उसके बदले अब क्या होगा, छोटा रेस्टोरेंट है तो बिल के अमाउंट के ऊपर 5% जीएसटी, नॉन एसी है तो 12%, एसी है तो 18% एंड अगर 5 स्टार होटल है तो 28%। खैर वो जीएसटी स्लैब नेक्स्ट लेक्चर में आराम से देखेंगे। दोस्तों बजट वहां पर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स थियरी प्लस प्रोविजन इन द बजट 2017 समझ लिए। नाउ लेट अस कंबाइन दिस फिगर्स। केंद्र सरकार को 2017-18 के बजट के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में आने वाली कुल रकम वहाँ मैक्सिमम कहाँ किधर से आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा कॉरपोरेशन टैक्स से, उसके बाद इनकम टैक्स, देन एक्साइज, देन सर्विस, देन कस्टम एंड लास्टली सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। इन दिस डिसेंडिंग ऑर्डर इट विल गो। आपका होमवर्क ये है कि अपने राज्य की फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाइए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करिए और उसका डिसेंडिंग ऑर्डर खुद से बना के इंसर्ट न्यू स्लाइड करके रख देना। मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, केंद्र सरकार के अंदर तो सबसे ज़्यादा आमदनी कहाँ से होती है, कॉरपोरेशन एंड इनकम टैक्स विच आर डायरेक्ट टैक्सेस। राज्य सरकार के अंदर आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा उनकी आमदनी कहाँ से होगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस पर्टिकुलरली वैट, और फिर जिन राज्यों में दारूबंदी नहीं है वहाँ स्टेट एक्साइज ऑन ह्यूमन लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, खैर वो घर पे आप करना। अगर हम एडवांस इकोनॉमी जैसे कि अमेरिका वगैरह में देखें, कुल मिला के टैक्स की जो रकम आती है वहां पर डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा पैसा आता है, इनडायरेक्ट से कम आता है। उसके विपरीत अगर आप भारत में देखें, इट इज ट्रू कि केंद्र सरकार के अंदर कॉरपोरेशन इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स में ज्यादा आ रहा है, बट कलेक्टिवली आप निकालें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कुल मिला के रकम, तो पता चलेगा कि भारत के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स में ज्यादा पैसा आता है, डायरेक्ट टैक्स में अपेक्षा कम आता है। वाई? बिकॉज भारत के अंदर जितने वोटर्स हैं उसके हार्डली 4% ऑफ देम आर इनकम टैक्स पेयर, वी आर नॉट अ टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी, ऐसा जेटली ने अपने बजट स्पीच में बोला। जबकि अमेरिका में आप पाएंगे कि वहाँ वोट देने वाले में से 60% लोग इनकम टैक्स पेयर पे करते हैं, नॉर्वे स्वीडन में तो ऑलमोस्ट 100% है, जितने वोट करते हैं उतने ही लोग इनकम टैक्स भी भरते हैं, देयरफॉर दे हैव वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। एनीवेज 2016 बजट वो फरवरी में प्रस्तुत किया होगा और वहां तो उन्होंने आंकड़े दिए होंगे, राइट, कि 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक कौन कौन से टैक्स से हमको कितनी रकम आने की प्रोजेक्शन है, एक बात। अब उसके सामने जब नया बजट आएगा 2017 तो वहां क्या बोला जाएगा, हमने 1 फरवरी को ये 2017 में नया बजट रखा और हम बोल रहे हैं कि भाई 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक हर एक टैक्स में हमको इतनी 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 आमदनी होने वाली है, तो हर एक टैक्स के अंदर पिछले साल की अपेक्षा इस साल कितना ज़्यादा पैसा आने वाला है वो जरा समझिए। कॉरपोरेशन टैक्स में आप पाएंगे कि ग्रोथ हार्डली 9%। वाई? क्योंकि 50 करोड़ तक का टर्नओवर रखने वाली कंपनियों के ऊपर कॉरपोरेशन टैक्स घटा के 25% कर दिया, तो स्वाभाविक के उस हिसाब से उनके मुनाफे में से आने वाली रकम में आपको कमी देखने को मिलेगी। मतलब ग्रोथ होगा बट बहुत ज़्यादा 50% बढ़ जाएगा पहले से ऐसा नहीं बोल सकते, एक बात।
इनकम टैक्स के अंदर आप पाएंगे 25% राइज। वाई? क्योंकि नोटबंदी के बाद अब सरकार को पता है कि पहले जो लोग टैक्स नहीं भरते थे वो भी अब बराबर से भरना शुरू कर देंगे, सो देयरफॉर ग्रोथ इज 25%। एक्साइज के अंदर मैक्सिमम ग्रोथ आपको देखने, पिछले साल जितना उत्पाद हुआ उसकी अपेक्षा इस साल ज्यादा उत्पाद होने वाला है, ऐसा क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर पहला जो स्लैब था 10% उसको घटा के कर दिया 5%, अर्थात जनता के 15,500 करोड़ रुपए कलेक्टिवली बच गए, और वहां पर प्रत्येक मिडिल क्लास फैमिली को मैक्सिमम लाभ कितना हुआ? 12,500 रुपए का। कैसे? आप याद करो वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वाली स्लाइड में मैंने आपको पढ़ाया था, हर एक फैमिली के पास 12,500 रुपए बच गए। अब ये रकम ऐसी है कि इसका कोई मकान या कोई बड़ा निवेश है ऐसा नहीं सोच सकते, आप क्या करेंगे? कोई मोबाइल, फ्रिज, टीवी, ऐसी कोई चीज सोचने का, राइट? और अब तो योगी आदित्यनाथ ने भी बोल दिया कि वहां उनके राज्य में 18 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, तो वहां पर भी फिर वॉशिंग मशीन, एसी, टीवी, उसकी बिक्री खपत ज्यादा होगी, सो डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन पे लगने वाला एक्साइज बढ़ेगा, सो देयरफॉर एक्साइज के अंदर बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा ऐसा सरकार सोच रही है। सिमिलरली सर्विस टैक्स बट थोड़ा 19%। कस्टम के अंदर आप पाएंगे कि उतना खास नहीं हुआ है। ऐसा हो सकता है कि मेक इन इंडिया बहुत सफल हो जाए तो बाहर की चीजें जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो कम इम्पोर्ट करें तो उसके ऊपर लगने वाली कस्टम ड्यूटी वो भी एब्सोल्यूट फिगर में कम आएगी। उसी प्रकार ये डोनाल्ड ट्रंप वगैरह जो प्रोटेक्शनिस्ट प्रकार की पॉलिसी अपना रहे हैं तो हम लोग शायद उतना एक्सपोर्ट ना कर पाए, उसी ग्रोथ बढ़ेगा बट बहुत ज्यादा नहीं, तो हार्डली 7%। एंड सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स हम 5%। एडवांस टैक्स क्या होता है? मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में सरकार का प्रोजेक्शन है कि ऋतिक रोशन की ये काबिल मूवी से ऋतिक को टोटल इनकम होगी 1,000 करोड़ और वहां से हमको 100 करोड़ टैक्स में मिलने की अपेक्षा है। अगर ये सारी रकम ऋतिक रोशन 31 मार्च 2017 को जमा कराएं तो बाकी पूरा साल सरकार चलाने में थोड़ी मुश्किलें आएंगी। ये बात सही है कि एप्रोप्रिएशन बिल के हिसाब से कंसोलिडेटेड फंड में से तो पैसा निकाल सकते हैं, परंतु अगर इस प्रकार के बड़े लोग अगर थोड़ा थोड़ा पैसा एडवांस में ही भरना शुरू कर देते तो सरकार को राहत मिल जाती, राइट? सो दैट इज एडवांस टैक्स लायबिलिटी। आप जो फाइनेंशियल ईयर है उसका फर्स्ट क्वार्टर वो खत्म होते होते में आप जितनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी उसका 15% भरो, फिर सेकंड क्वार्टर तो वहां पर की कुल लायबिलिटी का 45% सेटल हो गया हो, थर्ड क्वार्टर तो की 75% तक का सेटल हो गया हो, राइट? नाउ व्हाट इफ दिस मूवी फ्लॉप्स? 1,000 करोड़ नहीं, वो 700 करोड़ की उसको आमदनी हो तो उस हिसाब से वो एडवांस टैक्स में पैसा कम भरेगा। इसलिए दिसंबर खत्म होते होते टैक्स ऑफिसर को पता चल जाएगा कि हमने जो फरवरी 2016 के अंदर बजट 2016 रखा था और वहां पर जो आंकड़े प्रोजेक्ट किए थे उसके सामने असल में पैसे कम आए या ज्यादा आए। सो व्हेन दे प्रेजेंट द न्यू बजट इन 2017 उसके साथ वो पुराने बजट के रिवाइज्ड एस्टिमेट भी रखते हैं, दीज आर गिवन। फिर वहां से पता चलता है कि कहां पर उन्होंने ज्यादा आकलन किया था और कहां पैसा अपेक्षा से कम आया। जो अपेक्षा से कम पैसा है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू शॉर्टफॉल, जैसे कि आप कस्टम ड्यूटी में पाएंगे कि सोच रहे थे उससे कम में आया, सो दैट इज रेड लाइन, दैट इज रेवेन्यू शॉर्टफॉल। बाकी हर एक में या तो उम्मीद थी उतना आ गया या फिर कि उम्मीद से ज्यादा आ गया। एक्साइज ड्यूटी में सबसे ज्यादा उम्मीद थी उससे बहुत ज्यादा आ गया, वो क्यों? क्योंकि ये नोटबंदी के बाद लोगों ने अपना पैसा एडजस्ट करने के लिए ये खेल खेला था, वो क्या था? डीमोनेटाइजेशन के अंदर आराम से पढ़ेंगे। एनीवेज कमिंग बैक टू बजट 2017, केंद्र सरकार को डायरेक्ट टैक्स से कितनी रकम मिली? 9.8 लाख करोड़। इनडायरेक्ट टैक्स से कुल मिलाकर 9.2 लाख करोड़। फिर दिल्ली पुडुचेरी को छोड़ के बाकी विदाउट लेजिस्लेचर वाली यूनियन टेरिटरी वहां से 4,000 करोड़, तो कुल मिला के केंद्र सरकार को हाथ में जो पैसा आने वाला है दैट इज ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, एकंदर महसूल आवक कितनी? 19 लाख करोड़। अब ये सारा पैसा क्या मोदी सरकार के खुद के पास होगा? नहीं, आप विजुलाइज करिए कि एक टंकी में पड़ा है, वहां से कुछ पैसा दूसरी नलों में चला जाएगा। एक ऐसा नल है उसे बोलते हैं नेशनल कैलेमिटी एंड कंटिजेंसी फंड, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पब्लिक अकाउंट का हिस्सा है, वहां पर 10,000 करोड़ रुपए अलॉट कर देते हैं। इसके अलावा 14 फाइनेंस कमीशन ने बोला है उस हिसाब से राज्यों को पैसे का हिस्सा मिल जाएगा। अंत में जो बचा दैट इज कॉल्ड नेट टैक्स रेवेन्यू, चोखी महसूल आवक 12.2 लाख करोड़। अब ये राज्यों को 6.7 लाख करोड़ मिला कि नहीं, बजट के अंदर डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, लेट अस सी। हाँ, नीचे कुल मिला के आप टोटल करिए, एकदम जो नीचे सेल है 6.7 लाख रुपीज यू विल सी। जैसे 14 फाइनेंस कमीशन ने बोला ऊपर से नीचे कितना 42%, प्रत्येक को कितना मिलेगा वो, प्रत्येक राज्य को कितना पैसा मिलेगा, दैट परसेंटेज फॉर्मूला वो भी
बनाई है कि भाई एरिया कितना है, एनवायरमेंट कवर, पॉपुलेशन राइट, सो फॉर सो फॉर राइट, उस हिसाब से गुजरात को मिलेगा 3%, और बाकी को कितना मैक्सिमम विल गो टू उत्तर प्रदेश, आप देखिए 100% हो गया। देन अकॉर्डिंगली कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह में से रकम आएगी, ये तो बन गया। लेकिन सर्विस टैक्स में मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर को सर्विस टैक्स का हिस्सा नहीं मिलेगा, अर्थात वहां पर ये जो शेयरिंग 100% है वहां जम्मू कश्मीर का नहीं, तो दूसरे लोगों का आप वो डेटा इंटरप्रिटेशन के स्वरूप में समझिए कि बाकी टैक्स के अंदर अगर गुजरात को 3.0 समथिंग मिल रहा है, तो यहाँ क्योंकि जम्मू कश्मीर वालों को सर्विस टैक्स का हिस्सा नहीं मिलेगा, सो वी विल गेट अ समथिंग बिगर, सो 3.172 जितना होगा राइट। एंड कलेक्टिवली ऑल दिस नंबर्स यू स्टार्ट टू ऐड, तो गुजरात को ये कॉरपोरेशन, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, वो तो खैर खत्म हो गया, कस्टम एंड दिस एंड दैट करके कुल मिला के रकम कितनी, 20,000 करोड़ के आसपास मिलनी चाहिए। नाउ लेट अस क्रॉस चेक कि असल में उतना पैसा केंद्र सरकार से राज्य, गुजरात राज्य को 20,000 करोड़ आया कि नहीं, या फिर कि बीच में किसी अफसर ने वो सारा पैसा मार लिया जैसा इंदिरा आवास योजना में होता है। क्रॉस चेक करना बहुत आसान है, केंद्र सरकार के बजट के डॉक्यूमेंट से हमको ये आंकड़े मिल गए, तो सामने गुजरात राज्य सरकार का बजट डॉक्यूमेंट निकालिए, वहां पर ये लिख दिया है केंद्रीय कर्मा राज्य नो हिस्सो 20,897 करोड़, स्टेट शेयर इन द सेंट्रल टैक्सेस, तो एडजस्ट हो गया ओके। अब ये 14 फाइनेंस कमीशन, ये सारी सिफारिशें, ग्रांटी नेट वगैरह क्या क्या होता है, ये वाली वीडियो लिंक पे मैंने 30 मिनट का वीडियो बनाया था, आप आराम से देख लेना, ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो मित्रों इस प्रकार से अपना बजट, वहां पर रेवेन्यू पार्ट, वहां पर रिसीव टैक्स, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स समझ लिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म करके जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आने वाला है वो डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद वाले लेक्चर में ये ब्लैक मनी और नोटबंदी के बाद क्या असल में ब्लैक मनी से लड़ पाए कि नहीं, सर्वे के क्या अवलोकन है वो देखेंगे। आगे चल के एक्सपेंडिचर, वहाँ सारी सब्सिडियों को खत्म करके ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम लाना चाहिए ऐसा सर्वे क्यों बोल रहा है, और ये पूरा खत्म हो जाए तब फिजल डेफिसिट क्या होती है, और नई ये एनके सिंह वाली FRBM पैनल रिपोर्ट क्या बोल रही है, ऑल दैट वी विल स्टडी।